दोस्तों, मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक के बाद एक जिस प्रकार से शानदार क्लास मिल रही है। एक बात बताना, ये जो क्लास दे रहा हूँ आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें से क्वेश्चन एक के बाद एक मिलते हैं। कोई सा भी एग्जाम ले लीजिएगा, चाहे DRDO लो, भेल लो, सेल लो, या UP मेट्रो में भी जो वैकेंसी आई है, चाहे NTRO ले, चाहे नोएडा मेट्रो लो, DMRC ले लो, या जो भी आपके स्टेट की वैकेंसीज ले लीजिएगा जिनमें भी आपके आती है, वाटर बॉक्स वगैरह, PWD वगैरह, तो इस टाइप की कई वैकेंसीज आती है, तो जिनमें जलदाय विभाग वगैरह इस टाइप की वैकेंसीज के लिए बहुत ज़्यादा कारगर क्लास है। तो दोस्तों, क्या जानना चाहते हो? मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लास आपके लिए बहुत रामबाण क्लास है। रामबाण क्लास का मतलब यूँ कहे कि ये जो वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं एक एक करके मिल रहे हैं, और ये सारे के सारे आज जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपकी अपनी ट्रेड ब्रांच से, जो आप समझोगे तो क्या है मैं समझा देता हूँ, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर अपन परिचर्चा कर रहे हैं, जो आप समझोगे क्लियर हो जाएगा कि भाई बंधक, यहाँ जो क्वेश्चन अपन जिस पर बात कर रहे हैं, फास्टनर, एक्चुअल में क्या होता है फास्टनर, क्या होता है बंधक, किसे कहते हैं बंधक, ये एक्चुअल में है क्या चीज, इस पर अपन को विचार करना चाहिए कि फास्टनर क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अपन परिचर्चा कर रहे हैं आज। फास्टनर जानते हो आप मैं स्कूल नहीं, मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसको किसी ने किसी साधन के द्वारा जोड़ा नहीं जाता हो, ज्वाइंट नहीं किया जाता हो, या परमानेंट रूप से जोड़े, अस्थायी जोड़े, स्थायी जोड़े, किसी प्रकार से जोड़े, लेकिन उसको ज्वाइंट किया जाता। कोई भी मशीनिंग पार्ट्स हो, किसी भी मशीनिंग पार्ट्सों को जोड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह फास्टनर कहलाता है। सही लैंग्वेज तो ये है इसकी डेफिनेट, किसी भी मशीनिंग पार्ट्स को, या किसी भी मशीनों के पार्ट्स को, या कोई भी अवयवों को, या कोई भी जो है पुर्जों को आपस में जोड़ने के लिए जिन साधनों का आपस में स्थायी, अस्थायी या अर्ध स्थायी रूप से, अर्धस्थायी रूप से, परमानेंट, टेम्परेरी या सेमी परमानेंट रूप से जोड़ने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें फास्टनर कहते हैं। अब आप जानते हो कि फास्टनर कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे प्रकार के फास्टनर होते हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ पर करूँगा, लेकिन आपको सबसे पहले जो मैंने डेफिनेशन दिखाई है, समझाइए, पढ़ाइए, उनको आपको मैं बता देता हूँ। देखिएगा, फास्टनर के रूप में नट बोल्ट हो गए आपके, ठीक है ना, अस्थायी, स्थायी और अर्धस्थायी, तीन प्रकार की फास्टनिंग होती है। इनके लिए जो है नट बोल्ट हो गए, की हो गए, चाबी हो गए, स्क्रू हो गया, ये भी फास्टनर, वेल्डिंग हो गया, रिविटिंग हो गया, ब्रिजिंग हो गया, ये सब प्रकार की क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, फास्टनिंग के अंतर्गत आती है। भाई वो बहुत ही प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है आपका कि फास्टनिंग क्या है, तो एक प्रकार का ऑपरेशन है, क्या है, एक प्रकार का ऑपरेशन है। तो यहाँ एक कार्य क्रिया होती है, इसके लिए बहुत सारे साधन अपन अपनाते हैं, उन साधनों को जो प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फास्टनिंग कहते हैं। अब आप समझो कि फास्टनिंग के लिए कौन कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, 1 मिनट के लिए आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना है ना, क्लियर कर लेना है कि किस टाइप के फास्टनर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई फास्टनर तो होते हैं अपने, लेकिन कौन कौन से होते हैं इस पर ध्यान देना है, ये मिटा दिया मैंने, ठीक है। अब फास्टनर में जो होते हैं, तो यहाँ पर देखो तो इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, क्लिक कीजिए, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर, जैसे ये हो गया बोल्ट, डन। यहाँ पर ये आपका जो है षष्ठभुजाकार बोल्ट हो गया, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, चौकोर बोल्ट वाला, ये भी, ये हक बोल्ट वगैरह जो भी है ना आपके, हुक बोल्ट है, यहाँ पर चीज हेड बोल्ट है, यहाँ पर आई बोल्ट है, काउंटर सिंकर सिरा बोल्ट है ना, टेपर हेड बोल्ट है, यहाँ पर देखो आप इस प्रकार से, यहाँ जो है फाउंडेशन बोल्ट है, लेविस बोल्ट है, इस प्रकार से आई फाउंडेशन बोल्ट है, क्वार्टर बोल्ट है, यहाँ पर देखो रैग बोल्ट है, इस प्रकार से हेक्सागोनल है, यहाँ पर चौकोर है, स्क्वायर कैप बोल्ट है ना, गुम्बद मतलब डूम बोल्ट है, यहाँ पर देखिए थम्ब है, इसके बाद कैपर्सन है, यहाँ पर पंख है विंग वाला, इसके बाद रिंग वाला है, इसके बाद नर्ड है, इसके बाद में यहाँ पर फ्लैंज्ड है क्या, इसके बाद में कैप स्क्रू है, यहाँ कैप स्क्रू है, पोलर है, इसके बाद में कंधा बेल्ट है, शोल्डर वाला स्क्रू है, बहुत सारे जो है सेट स्क्रू है, ग्रू स्क्रू है, आप देख रहे हो लॉक नट है, कैशल नट है, इस प्रकार का कांचेदार नट है, स्प्रिंग पिन है, साइमन लॉक है, श्वान नट है, पिन है, स्कोकिंग है, यहाँ पर प्लेन हेस्टर्ड है, शोल्डर स्टड है, लॉकिंग वाशर है, स्प्रिंग वाशर है, प्लेन वाशर है, इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो है क्या है
यहाँ पर जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या लाए जाते हैं, ये सब पार्टनर है जो आप देख रहे हो, इन सभी को इनको बोलते हैं पार्टनर। क्या बोलते हैं भैया, ये जो देख रहे हो आप यहाँ क्रमबद्ध रूप से, तो ये सब क्या है, पार्टनर है, जिनको आपको मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके, ये सब पार्टनर है। और इसके लिए जो साधन प्रयोग में लाते हैं अपन, तो यहाँ ये सारे के सारे अस्थायी अस्थायी पार्टनर दिखा रहा हूँ। इनको खोल लेते हैं वापिस बांध देते हैं, खोल लेते हैं वापिस बांध लेते हैं, लेकिन ये जितने भी आप देख रहे हो सारे के सारे कौन से हैं, अस्थाई। आपको कौन से चाहिए, स्थाई वाले, क्या चाहिए, स्थाई वाले। तो आपको जो भी यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, स्थाई में ये आ गया आपका, ये क्या कर रहा है, वेल्डिंग, वेल्डिंग जो है जोड़ क्या है, स्थाई वाला है, ये परमानेंट फास्टनिंग। इसके बाद रिविटिंग भी आपका परमानेंट फास्टनिंग है, जो रिविटिंग करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सोल्डरिंग भी आपका परमानेंट, नहीं सॉरी, अर्ध परमानेंट, सेमी परमानेंट है, और अस्थाई फास्टनिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार से फास्टनिंग में ये चीज़ें जो आज मैंने आपको बताई है, इन सबको अपन इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन आपको लंबे टाइम तक इस क्लास में जुड़े रहना है, अंत तक इस वीडियो को देखना है, तब जाकर के सारी चीज़ें, सारे सेगमेंट्स और क्वेश्चंस इसके बाद आएंगे आपके। इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं जी, बिल्कुल, हाँ, सब कैसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, एक नज़र में ये भी क्लियर हो जाएगा। पार्टनर के यहाँ पर जो है क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो यहाँ अपने देखिएगा, मैं बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो PDF है पार्टनर वाली, इसी में ही आपको यहाँ पर सारे के सारे जो पार्टनर के क्या मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे। इस प्रकार से सारा का सारा मैंने आपके लिए यहाँ पर पूरा मटेरियल तैयार कर दिया है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा आपको सुव्यवस्थित, लेकिन एंड तक क्लास देखना है, अच्छा क्लास है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों दिखा रहे हो, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके लिए क्या क्या मैटर मैं ला रहा हूँ, और आगे इसकी क्या क्या प्लानिंग है। इस प्रकार से इसमें ही क्वेश्चन जो आए हुए हैं, दूसरी बात कौन से सन में कहाँ पर पूछा हुआ, किस टाइप से पूछा हुआ, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये भी, इसके बाद में नोट की प्रक्रिया है, तो नोट भी डाले हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करना चाहिए पार्टनिंग। पार्टनिंग क्या है कि किन्हीं दो पार्श्वों को आपस में स्थायी, अर्ध स्थायी या सेमी या टेम्परेरी या फिर जो है परमानेंट रूप से जोड़ने की एक ऑपरेशन है, एक कार्य क्रिया है, जिसे पार्टनिंग कहते हैं। उसके अंतर्गत नट आते हैं, बोल्ट आते हैं, और स्क्रू आते हैं, स्टड आते हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ पर वेल्डिंग आता है, रिवेटिंग आता है, सोल्डरिंग आता है, ब्रेजिंग आता है, ये सारे के सारे क्या है, फास्टनिंग है। तो आप देखने जा रहे थे कि यहाँ फास्टनिंग कौन कौन से है जिनका अपन यहाँ जिक्र कर रहे थे, तो दोस्तों ये बात आपको समझना होगा कि पार्टनर कौन कौन से है। इस बात को आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा कि जो आप पार्टनर पढ़ने जा रहे हो वो कौन कौन से पार्टनर है, और उनको उनको यहाँ पर देखना होगा। चलिए आइए मेरे साथ में अपन बात करते हैं बिंदु पर, किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चलेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि भाई क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सर आप हमसे ही इस लेक्चर को लास्ट तक क्यों देखें, ये चीज़ आपको देखिए आप पढ़ना है। दूसरी बात है, आप लोगों को जो है इस टाइप के जो है पढ़ाने वालों की संख्या कम है, खासतौर से आप में से स्टूडेंट की संख्या भी कम होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी संख्या कम होती है, इसलिए भी मैं आपको बता रहा था बंधक, बंधक को यहाँ पर बोलते हैं इंग्लिश में पार्टनर, ठीक है। देखिएगा मैंने आपको बताया कि इन्हीं दो पार्श्वों को आपस में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, पार्टनर कहलाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा, कुछ किसी भी प्रकार की मशीनों, मशीनों चाहे वो बड़ी हो या फिर छोटी हो, कोई भी प्रकार की मशीन हो सकती है, या छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी विभिन्न प्रकार के भागों, पार्श्वों को जोड़कर बनाई जाती है। दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं जो कि केवल एक ही पार्ट से बनी हो, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कई पार्ट्स होते रहे, उनके जोड़ने के लिए अपने जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पार्टनर कहते हैं। मशीनों के पुर्जों, पुर्जों को कई माध्यमों के द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं, कई माध्यमों के द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं, इन माध्यमों को पार्टनर कहते हैं। मैंने अभी अभी बताया कि मशीनों को, पुर्जों को कई माध्यम के द्वारा जोड़ा जाता है, और उन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। देखिए आगे, जिस विधि द्वारा इनको जोड़ा जाता है उस विधि को फास्टनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस विधि के द्वारा इन्हें जोड़ा जाता है उस विधि को फास्टनिंग कहते हैं। एक ऑपरेशन है, कार्य क्रिया है फास्टनिंग। आपसे पूछे कि फास्टनिंग क्या है, तो एक ऑपरेशन है, एक कार्य क्रिया है जिसे अपन फास्टनिंग कहते हैं। हाँ जी, कार्य क्रिया है, एक ऑपरेशन है जिसे अपन क्या कहते हैं, फास्टनिंग कहते हैं। जी बिल्कुल सही समझे आप, फास्टनिंग जैसे वेल्डर करने वाला वेल्डिंग होगा, वेल्डर के द्वारा जो कार्य वेल्डिंग किया गया, ठीक है, फिटर के द्वारा फिटिंग किया गया है ना, रिवेटर के द्वारा रिवेटिंग किया गया, इसी प्रकार से फास्टनर के द्वारा फास्टनिंग किया जाता है। जो फास्टर जो काटते तो आपने से, लेकिन क्या वो ऑपरेशन जो कला है फास्टनिंग, जैसे ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग, हैमर के द्वारा हैमरिंग,
चिजल के द्वारा चिपिंग, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं है, ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग, ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंडिंग और फाइल के द्वारा फाइलिंग, है ना। तो जो भी आप ऑपरेशन करते हो वो ये यहाँ पर भी पास्टिंग उसी का ही एक ऑपरेशन है, उसी प्रकार की क्रिया है, तो है कि नहीं। मैंने जो बताया आपको उसी तरह से समझा भी दिया है, इसको बोलते हैं पास्टिंग या बंधन कहते हैं। ये मुख्यतः जो है कितने प्रकार की होती है, यहाँ तीन प्रकार की होती है। निम्न का मतलब तीन प्रकार की, तीन में सबसे पहला नंबर का जो बिंदु आता है आपका वो आता है यहाँ कौन सा वाला, अस्थायी फास्टिंग। अस्थायी फास्टिंग की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी फास्टिंग, टेम्परेरी फास्टिंग बोलते हैं दोस्तों इसको। दूसरे नंबर पर जो आता है तो यहाँ पर अर्धस्थायी, अर्धस्थायी फास्टिंग का मतलब सेमी परमानेंट, क्या आता है, सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट फास्टनिंग, यहाँ पर देखना सेमी परमानेंट फास्टनिंग। जो तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर परमानेंट मतलब स्थायी बंधक, तो परमानेंट फास्टनिंग। इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग प्रकार की फास्टनिंग प्रयोग में लाई जाती है, जिसका जिक्र आप हम यहाँ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात तो क्लियर हो ही रही है, समझ ही रहे हो कि किस किस प्रकार की कौन कौन सी फास्टनिंग होगी। फास्टनिंग में अपन सबसे पहला पढ़ेंगे तो यहाँ पर अस्थायी, अस्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी जो बंधक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, सबको अपन को समझना होगा। चलिए दोस्तों अच्छी बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि जो है सर हम पढ़ेंगे अंत तक, ठीक है ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा अंत तक वीडियो, नहीं सारे के सारे और सिक्वेंस में सारे के सारे अगर वीडियो चाहिए क्रमबद्ध रूप से तो आप हमारे एप्लीकेशन जुगा सर ऑनलाइन क्लासेस पर भी जा सकते हो, एप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए मैं और बात करता हूँ आपसे तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूँ। चलिए अब अपन बात करेंगे इसी में ही कि नेक्स्ट किस प्रकार से कैसे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीन प्रकार की मैंने बताई है, अस्थायी, अर्धस्थायी और स्थायी, तीन प्रकार। सबसे पहले मुझे और आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और वो है सिक्वेंस में है, यहाँ पहला नंबर पे आपके पास आ रही है कौन सी आ रही है, अस्थायी मतलब टेम्परेरी फास्टनिंग, मतलब टेम्परेरी फास्टिंग, अस्थायी बंधक। अस्थायी बंधक किसे कहते हैं, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अस्थायी बंधक तो है लेकिन इसे कहा क्या जाता है, अस्थायी बंधक होता क्या है। तो वो यह बंधक देखिएगा यहाँ पर अस्थायी मतलब क्या होता है, देखिएगा सही लैंग्वेज में समझना इसको, मैं तीनों को बताता हूँ। मतलब सबसे पहली बात करते हैं तो अस्थायी का मतलब जिनको खोलने कसा आसानी से खोला जा सके, कसा जा सके, एक बार लॉक्ड करने के बाद या दो पार्श्वों को जोड़ने के बाद पुनः आपस में खोला जा सकता है, जिसे जॉब और पास्टर दोनों को सुरक्षित रखते तो आपका कौन सा, अस्थायी कहलाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं स्थायी, स्थायी सॉरी अर्धस्थायी, अर्धस्थायी की बात करते हैं तो जिन्हें खूंच खींच खोलने पर जैसे शोल्डरिंग खोला तो टांका टूट गया, लेकिन इसमें ना तो जॉब खराब हुआ लेकिन जो शोल्डर किया था वो खराब, तो एक पार्ट्स को ही खराब हो गया तो क्या कहलाता वो अर्धस्थायी। लेकिन स्थायी में क्या होता है, जैसे वेल्डिंग या रिवेटिंग कर दी तो उसको काटना ही पड़ता, क्या करता, कट करना पड़ता, तो ऐसी स्टेप को बोलते हैं अपन स्थायी, तो परमानेंट जोड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं बंधक, ये देखिए यह है बंधक, यहाँ पर देखना इसकी अस्थायी की बात कर रहे हैं। यह बंधक की वह विधि है जिसके द्वारा अलग अलग भागों को, जिसके द्वारा अलग अलग भागों को बिना किसी नुकसान के, देखिए कोई क्षति नहीं होना चाहिए, जैसे नटबोल्ट को खोलते हैं तो वैसा के वैसा रहता, कोई दिक्कत दोबारा यूज ले सकते हैं, बिना किसी नुकसान के खोला और दोबारा जोड़ा जा सके, मतलब खोल भी लिया जा सकता है, वापस जरूरत पड़ती है तो यूज में लिया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, इसे अस्थायी बंधक कहते हैं। इस विधि में न तो जॉब को कोई नुकसान हो और ना ही जो है क्या है पार्टनर मतलब बंधक को अर्थात नट बोल्ट को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे नट है, बोल्ट है और क्या है, चाबी, कीज है, पेच, स्क्रू है और पिन है इत्यादि, इनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पिन खोली तो वापस यूज ले सकता, नट को खोला तो वापस लेंगे, बोल्ट को खोला तो वापस लेंगे, नट बोल्ट हुए कि नहीं, इसके बाद यहाँ चाबी को खोला तो वापस यूज लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये बात आपको समझना चाहिए कि न तो इसमें जॉब खराब होगा, नहीं इसमें जो है आपका पार्टनर खराब होगा, दोनों की दोनों चीजें सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार के पार्टनर को अस्थायी अर्थात यहाँ पर परमानेंट रूप से नहीं जुड़ा रहेगा, टेम्परेरी जुड़ा रहता है, जब चाहे जब खोलो और जब चाहे जब वापस टाइट कर दो, ऐसा बंधक जो है आपका टेम्परेरी बंधक कहलाता है, ठीक है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल वगैरह दुनिया भर के या फिर जो भी मशीन है उन सभी में किया जाता है। जनरली आप जो भी छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी मशीन जो भी देख रहे हो सभी में इसकी उपयोगिता एक अहम है, बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैं इसमें बहुत गहराई से बता रहा हूँ। अब आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि नट बोल्ट किस प्रकार की फास्टनिंग के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है अस्थायी। आपसे पूछा चाबी किस प्रकार की फास्टनिंग में आती है, तो आपको बताना अस्थायी, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि पेच किस प्रकार के बंधक के अंतर्गत आता है, तो टेम्परेरी,
आपसे पूछा जाता है कि पिन किस प्रकार की पास्टिंग के अंतर्गत आती है, तो आपको ऐसा है, आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यूं पूछा जा सकता है कि जिसमें पार्स और जोक दोनों सुरक्षित रहे तो वह कौन सा बंधक है, तो ऐसा है। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको बात। तो इस टाइप की चीजें हैं आपको जो समझनी पड़ेगी। अब आप कहोगे कि सर हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रही, तो फिर इसको समझ में आ रही तो आगे बात कर लेते हैं। तो मैं यही बातें बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी पार्टनिंग होती है और उनकी क्या क्या उपयोगिता है, और यहाँ उसी के बारे में अपन बात भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है यहाँ आगे नंबर दो में अर्ध स्थायी बंधक, मतलब सेमी परमानेंट फास्टनिंग। सेमी परमानेंट फास्टनिंग किसे कहते हैं, सेमी परमानेंट फास्टनिंग किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही पहचाने आप यहाँ पर। इस विधि में जॉब को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। जाइए, इस विधि में जॉब को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। किसको नहीं पहुंचता, यहाँ पर ध्यान रखिए, जॉब को, अर्ध स्थायी जॉब एज इट इज है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज इट इज, लेकिन शोल्डर खराब हो जाता ये देखा ना, तो जॉब को कोई क्षति पहुंच रही है नहीं ना, तो यही बात आपको ध्यान रखना है ना। जॉब को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन बंधक पार्टनर खराब हो जाता है, अर्थात जो आपका शोल्डरिंग तो खराब हो गया ना, तो पार्टनर खराब हो जाता है ना। तो इस प्रकार के बंधक को, इस प्रकार के बंधक का प्रयोग तब किया जाता है जब पार्ट्स को जोड़ने के पश्चात किसी कारणवश अलग करने की आवश्यकता होती है। वैसे नहीं, किसी कारणवश, विशेष वजहवश जो है अलग करने की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार का जो पार्ट्स जो कहलाता है अपना सोल्डरिंग, क्या कहलाता है, सोल्डरिंग। तो ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या होता है, सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डरिंग का मतलब यहाँ एक जोड़ होता है जिसको सोल्डरिंग कहते हैं, तो ये आपके ध्यान रखना है। तो इस टाइप की जो कंडीशन अप्लाइड होती है इसको बोलते हैं सोल्डरिंग। क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग। इसी टाइप की कंडीशन अपन ब्रेजिंग के अंतर्गत भी ले लेते हैं, याद रखना। हाँ, ब्रेजिंग में सुनार करता ना, तो वो भी जो है जोड़ता, तो उसको भी इस टाइप में ही ले लेते हैं, ध्यान रखना। लेकिन मोस्टली जो है आपका जिक्र ध्यान रखना है कि शोल्डरिंग किसका है, तो आपको बता देना। तो शोल्डरिंग किस प्रकार का है यहाँ, तो यहाँ अर्ध स्थायी बंधक कौन सा, सेमी परमानेंट जो पार्टनर है वो कौन है, सोल्डरिंग है। सेमी परमानेंट जो पार्टनर है वो कौन सा, सोल्डरिंग है। तो दोस्तों यहाँ अर्ध स्थायी बंधक की ही बात कर रहा हूँ, सेमी परमानेंट पार्टनर की ही बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से अपन देखते जा रहे हैं वो आपको क्लियर कर लेना। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, शोल्डरिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई जी, बिल्कुल। अब मैं आपको और बताऊँ आगे, चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। यहाँ क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं इसमें कि जिसमें जॉब खराब नहीं होता हो क्या, लेकिन बंधक खराब हो जाता हो, तो वह कौन सी पार्टनिंग विधि है, तो आपको बताना है सेमी परमानेंट। डन, कौन सी बताओ, सेमी परमानेंट मेथड। इसमें भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं तीसरे नंबर पर एक और चीज बताऊं, तो यहाँ स्थायी पार्टनर, स्थायी बंधक, परमानेंट पार्टनिंग, परमानेंट फास्टनिंग, परमानेंट फास्टनिंग किसे कहते हैं, ये बात आपको समझना। जी बिल्कुल, मतलब इसमें जो है कोई भी दो पार्ट्सों को आपस में जोड़ दिया, पुनः अगर इनको खोला गया तो दोनों के दोनों, मतलब जॉब भी और पार्टनर भी, दोनों के दोनों खराब हो जाएंगे। ऐसी पोजिशन वालों को जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो, यह एक ऐसा बंधक है जो जुड़ने के पश्चात मशीन या पार्ट्स का अंग अंग बन जाता है, मतलब उसी का ही एक अंग बन गया। अब आप उसको अलग करना चाहो तो ना छुटेगा, बल्कि उसका ही एक अंग बन जाता है ना, जिसे खोलने पर जॉब तथा बंधक पार्टनर दोनों ही को ही नुकसान होता है। यानी कि वह एकदम फ्रीली खुल जाएगा ना, लॉस दोनों को ही होगा, नुकसान दोनों को होता है, जैसे ब्रेजिंग। ठीक है, आपको ध्यान रखना, ब्रेजिंग मैंने यहाँ पर भी लिखा था, लेकिन याद रखिएगा यहाँ जो कंडीशन है, अब आपके यहाँ कुछ चीज़ें आती है जो ब्रेजिंग करता है, लेकिन अधिकतर जो है ब्रेजिंग यहाँ ही प्रयोग में लाई जाती है। मैंने वहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, आपको पहले बोला उसका एक शोल्डरिंग है, लेकिन यहाँ पर भी ब्रेजिंग जो है यूज इसलिए लिया क्योंकि ब्रेजिंग स्थायी रूप से भी की जाती है। सुनार जो करता है ना, परमानेंट शिफ्ट करता, कुछ पार्ट्स में वो स्थायी शिफ्ट करता है ना, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रेजिंग क्या होता है, ब्रेजिंग। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछ ले तो किसमें किया जाएगा, तो फिर आपको ऑप्शन, अगर दोनों तीनों ऑप्शन दे रखे तो आपको पास स्थायी वाले में करवाना है, परमानेंट में ही क्लिक करना है। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूँ। लेकिन अगर परमानेंट नहीं दिया तो फिर किसमें, सेमी परमानेंट में आपका ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई शक नहीं। ठीक है, गुंजाइश नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसको क्लिक करना, वेल्डिंग आपका ऐसे, रिवेटिंग आपका ऐसे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये आपके परमानेंट के अंदर है। और यार पूछा भी हुआ कि रिवेटिंग किस प्रकार का पार्टनर है, तो आपको बताना है परमानेंट। रिवेटिंग में कन्फ्यूजन चलता रहता है दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं रखना, बिल्कुल क्लियर करना कि यहाँ पर किस प्रकार का है,
परमानेंट वाला, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपको क्लेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डन? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा तो प्लीज मुझे बताइए। आ रहा क्लिक कीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक तो आपने देख लिया है ये क्या था, यहाँ पर परमानेंट अस्थाई स्थाई वाला। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ स्थाई अस्थाई तो हो गया, अब मैं यहाँ पर बताऊँ कि अस्थाई पार्टनर के अंदर कौन कौन से आते हैं, इनको सिक्वेंस में पढ़ लेते हैं। राइट, ये तो मैंने बता दिया आपको कि भाई इस प्रकार के होते हैं, लेकिन किस किसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये चीज़ मैटर करती है, और मैं इसको बताना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अस्थाई बंधक, टेम्परेरी फास्टनर कौन कौन से होते हैं, इनको पढ़ना अपना पूरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं, तो बोल्ट, बोल्ट को बोल्ट ही कहेंगे दोस्तों, हिंदी में बोले तो इंग्लिश में बोले तो। यह एक प्रकार का गोल रोड का टुकड़ा होता है, बोल्ट सबने देखा, यह एक प्रकार का गोल रोड का टुकड़ा होता है। कौन सा होता है? गोल वाली रोड होती है, उसका क्या होता है, टुकड़ा होता है जिसमें एक सिरे पर हेड होता है, दूसरे सिरे पर क्या होता है, चूड़िया कटी होती है, दूसरे सिरे पर क्या कटी होती है, चूड़िया कटी होती है। इस भाग पर नट, इस भाग पर नट को कसा जाता है, इस भाग पर क्या कसा जाता है, नट को कसा जाता है। तो प्राय बोल्ट माइल्ड स्टील अर्थात मृदु इस्पात का बना होता है, मृदु इस्पात के बनाए जाते हैं, परंतु कुछ विशेष कार्यों के लिए पीतल तांबा तथा अन्य अन्य धातुओं के भी बनाए जाते हैं। सामान्य रूप से जो है यहाँ मृदु इस्पात माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, परंतु कुछ कार्यों के लिए यहाँ पर पीतल है, तांबा है वो, और अन्य धातुओं के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर करना। इसका माप माप चूड़ी वाले भाग, चूड़ी वाले भाग के व्यास से, जिस पर चूड़ी कटी हुई है उसके भाग के व्यास से एवं सिरे को छोड़कर शेष लंबाई से, सिरे को छोड़ दिया, ऊपरी जो सिरा है उसको छोड़ करके शेष लंबाई से लिया जाता है। सिरे के आकार के अनुसार बोल्ट कई प्रकार के होते हैं जिनको अपन को पढ़ना पड़ेगा। जी मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लेरिफाई कर देता हूँ, दोबारा से इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ डन, और मैं ले चलता हूँ आपको सीधा सीधा बिंदु पर। ठीक है जी, क्या बिंदु है, आइए मेरे साथ। सबसे पहले अपन यहाँ पर फास्टनर पीडीएफ अलग जी नहीं सॉरी, इसमें फास्टनर ये लीजिएगा, फास्टनर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने जो भी लिखे हैं सारे के सारे कौन से हैं बोलो, यहाँ अस्थाई लिखे हैं। अस्थाई बंधक के अंदर अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, तो फिर आप कैसे क्लिक करोगे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई, ध्यान रखना आएगा, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फिर कैसे करोगे आप, बड़ी तकलीफ होगी ना आपको। ऐसे में मैं उपाय बता देता हूँ तकलीफ से बचने के लिए। जी क्या उपाय है बताइए सर, तो मैं बताऊँ आपको, ध्यान दो सबसे पहली बात, ठीक है, कौन सा क्या जिक्र कर रहे हैं अपन, अस्थाई बंधक का ना, बिल्कुल सही ना, अस्थाई बंधक का जब यूज कर रहे हैं तो क्या चीजें होगी आपकी, किस टाइप की होगी, ये बात आपको समझना होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल होगा, तो होगा तो कैसे होगा जी, बिल्कुल समझिएगा, इसको ध्यान से देखना, ये क्या है नट बोल्ट, राइट, क्या है नट बोल्ट, नट बोल्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नट बोल्ट किस प्रकार की फास्टनिंग के आता है, तो आपको बताना अस्थाई, ठीक है। आपसे पूछा चाबी की किस में आती है, यहाँ पर की का मतलब होता है चाबी, ये किस में आती है, तो आपको बताना है यहाँ पर अस्थाई। आपसे पूछा जाता है स्क्रू, स्क्रू का मतलब होता है पेच, और पेच किस में आता है, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या, अस्थाई में, टेम्परेरी। आपसे पूछा जाता है कि पिन पिन किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर किसके अंतर्गत आता है, इस टाइम में इसको निकालेंगे तो ये सुरक्षित हो जाएगी, वापस यूज ले सकते हैं, ऐसे स्टेप आपके साथ, तो ये चीज देखिएगा, है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर अस्थाई से संबंधित जो बिंदु है। खैर अपन तो एक एक पे चलते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये वेल्डिंग सोल्डरिंग को आगे बढ़ेंगे, रिवेटिंग को भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अपन यहाँ जो इस बिंदु पर पहुंचना चाह रहे थे, आखिरकार वहाँ अपन पहुंच गए, ठीक है। अभी ये साइड फट रहा तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको नहीं दिखेगा, मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा साफ दिखा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। दोस्तों यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपको क्या दिख रहा,
मतलब ये जो भाग जिसे आप देख रहे हो ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मतलब ये जो भाग आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं क्या है, और ये जो पूरा लंबा भाग है इसको क्या बोलते हैं, ये बात आपको। तो ये अपन पढ़ रहे हैं बोल्ट, ठीक है। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता कि नट किसे कहते हैं, बोल्ट किसे कहते हैं। भाई जिस पे मैंने निशान लगाया है, ये वाला जो भाग है जो कि बोल्ट के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसे तो नट कहते हैं। नट आपको देखो मैं सरल लैंग्वेज में समझा दूं, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। नट में जो चूड़ियां कटी होती है वो इंटरनल होती है। कौन सी होती है? इंटरनल। देखो इसमें आंतरिक चूड़ियां हैं तभी तो उसके अंदर से अंदर चला वो। इंटरनल क्या हुआ? इंटरनल थ्रेड होगी इसमें। देखिएगा यहाँ पर मैं वही बात बता रहा हूँ, जो चूड़ियां होगी वो कौन सी होगी? इंटरनल थ्रेड। लेकिन यहाँ बोल्ट में जो चूड़ियां होगी वो क्या होगी? एक्सटर्नल। यहाँ पर देख सकते हो एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ आप देखो तो साफ साफ दिखेगा आपको बही, यहाँ बही दिखेगा, और वहां जो आपको दिखेगा तो ये अंदरूनी दिखेगा। यहाँ बही है तो यहाँ आंतरिक होता है। क्या होता है? आंतरिक। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह की स्टेप आपको यहाँ पर देखनी ही होगी। तो ये जो चूड़िया आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो नट है इसमें जो चूड़िया बनी हुई वो कौन सी बनी हुई बताओ, बोलो साफ करो। ये नट है, और यहाँ पर बात करते हैं तो इसी नट का अपन जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अपन को तो यहाँ पढ़ना क्या है, ये बोल्ट। बोल्ट में जो चूड़ियाँ हैं वो बाह्य हैं, ये बात आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन जब जब बात कर रहे हैं कि जो चूड़ियों की बात कर रहे हैं, तो ये बात नट बोल्ट में आपको विशेष तौर से अंतर नजर आना चाहिए। कई लड़कों को पता नहीं था कि नट किसे कहते हैं, बोल्ट, कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए जी, ऐसे कभी कन्फ्यूज होना कि नट किसे कहेंगे, एक बोल्ट किसे कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना बोल्ट में ज्यादा बड़ा आराना अक्षर बोल्ट, तीन अक्षर हो गए, आधा भली तीन अक्षर, लेकिन नट में तो केवल दो अक्षर है, दो अक्षर है, तो छोटा कौन सा होगा? नट। और जो बड़ा कौन सा होगा? बोल्ट। सो सिंपल, इस तरीके से टेक्स्ट के रूप में याद रखो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ इसमें, ये जो बनी हुई है ये क्या बनी हुई है? इसमें चूड़िया जो आप ये देख रहे हो ना, ये स्टेप में, ये जो स्टेप में देख रहे हो, ये जो जो देख रहे हो मैं बना रहा हूँ आपको, ये क्या है? सब चूड़िया है इस टाइप की जो बनी हुई है। यहाँ से यहाँ तक जिस पर ये नट चढ़ा हुआ है ना, बोर्ड पर क्या चढ़ा हुआ? नट चढ़ा हुआ, ये चूड़िया आप देख रहे हो, इस टाइप की जो चूड़िया आपको दिखाई दे रही, ये चूड़िया, ठीक है। अब जब यहाँ से यहाँ तक आपको चूड़िया दिखाई दे रही, तो नीचे भी सेम ही पोजिशन है, नीचे भी सेम ही पोजिशन है, ऐसी कैसी चूड़िया कटी थी इस पर जो आपको बताता हूँ। ये नट वाला भाग है जो लिखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पर बात करते हैं तो इसको साफ साफ शब्दों में समझिएगा, ये आपके शेंक वाला भाग है। क्या है? शेंक वाला भाग। और ये रेडियस क्या है? रेडियस, ये हेड है यहाँ पर, ये चीज आपको देखना पड़ेगा, रेडियस है, हेड है। और यहाँ एक बात और बता दू आपको, तो इसमें जो है थ्रेड लेंथ, ये तो यहाँ पर जो पूरी चूड़ियों की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ इस पर तो चूड़ियाँ कटी हुई नहीं। अब यहाँ पर थ्रेड लेंथ कहाँ से कहाँ तक? जहाँ तक चूड़ियाँ कटी थी, ये भाग क्या है? गैप लेंथ। तो यहाँ पर जिसमें क्या है अपना गैप रहता है, तो वो खाली वाला भाग रहता, तो इसको बोलते हैं टोटल जो है ओवरऑल नॉमिनल लेंथ जो है पूरी यहाँ तक लंबाई। ये लंबाई के लिए इसका ये जो साइज, इसको छोड़ दिया जाता है, कौन सा साइज? हेड वाले साइज को छोड़ दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इस टाइप से जो है चीजें होती है आपकी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो आपको समझने की फर्क है कि भाई किस किस तरह की चीजें कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो सारे के सारे भाग आपको दिख गए ना, है ना, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं मेरा, है ना। और इसको बोलते हैं ये छोटा जो भाग है इसके जस्ट पीछे राव नट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? राव नट। और इसके बाद ये नट है, ये थ्रेड है, ये शैंक, ये रेडियस, ये हेड है, ये गैप लेंथ है, यहाँ पर ये थ्रेड लेंथ है, ये नॉमिनल लेंथ है, और ये बोल्ट है। सारी की सारी चीजें आपको स्पष्ट में यहाँ पर दिखा रहा हूँ जी, बोलो समझ में आई? आई नहीं तो फिर यहाँ पर क्लियर कीजिएगा। आपको यहाँ जब ये चीजें समझ में आ गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होगी जी। अब सर समझ में तो आई है, लेकिन थोड़ा सा और कुछ हो जाए तो बढ़िया जी, मैं तो बता दूंगा मेरे क्या। आप तो देखो आगे बात करते हैं, इसमें ही देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में जो आपके सामने आ रही है, तो वो क्या आ रहा है यहाँ पर? षष्ठभुजाकार। क्या आ रहा है यहाँ पर? षष्ठ। देखिएगा यहाँ पर जो देखिएगा एक और बोल्ट आ रहा है, ठीक है। नट बोल्ट का तो मैंने जिक्र किया था, बोल्ट किसे कहते हैं इसका सही लैंग्वेज। अब अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो प्रकार को देखो, यहाँ मैं सबसे पहला पढ़ाऊंगा तो आपको कौन सा पढ़ाऊंगा? षष्ठभुजाकार। इसको आप एक नजर से देख लीजिएगा कि इसमें षष्ठभुजाकार क्यों कहते हैं। खैर मैं उससे भी पहले आपसे यहाँ पर लेकर चलता हूँ, तो ये चीज आई आइए, यहाँ अपन जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे ध्यान दीजिएगा।
यहाँ अयस्ताई पाटनी पढ़ रहे थे, मैंने यही बताया था अयस्ताई पाटनी में जिसका जिक्र किया था वो कौन सा था। यहाँ पर देखिए सारी सारी चीजें बताई थी भीष्म नट में, मैंने सारी चीजें बता दी थी क्या था बोल्ट, यहाँ पर सॉरी इसमें अयस्ताई पाटनी में क्या बताया था बोल्ट, और बोल्ट में कि ये खोखला ये कि गोल रोड क्या होती है गोलाकार की रोड का जो है टुकड़ा होता है टुकड़ा पीस, ठीक है डन है ना, जिसके एक सिरे पर हेड होता है एक सिरे पर तथा दूसरे सिरे पर क्या होता है यहाँ पर चूड़िया कटी होती है, एक सिरे पर हेड है तो दूसरे सिरे पर चूड़िया कटी होती है, इस भाग पर नट कसा होता है, इस भाग पर क्या कसा होता है नट कसा होता है, प्राय मृदु इस्पात मतलब माइल्ड स्टील की यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए एक मिनट और रुको मैं बात करता हूँ, देखिएगा प्राय किसकी बात करें अपन माइल्ड स्टील की, यहाँ एक मिनट ले लीजिएगा किसके बने होते हैं ये प्राय, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ठीक है ना, यहाँ पर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील मृदु इस्पात के बनाए जाते हैं ठीक है, परंतु कुछ विशेष कार्यों के लिए पीतल है तांबा है व अन्य धातुओं के भी बनाए जाते हैं। इस यहाँ पर देखो ध्यान से, इस माप देखिए इसकी जो माप है चूड़ी वाले भाग जिसमें चूड़ियां कटी हुई थी मैंने अभी दिखाया वाले भाग के धातुओं से चूड़ी वाले भाग के व्यास से, किस लिए था इसका जो साइज है वो ले रहे डायमीटर से, इसका जो डाया है ना उससे जिस पर चूड़ियां कटी होती है के व्यास एवं सिरे के सिरे को छोड़ कर, ये ध्यान रखना लास्ट में जो हेड है उसको छोड़ देंगे, इस वाले भाग को छोड़ करके पूरी लंबाई से लिया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि इसका जो है साइज कहाँ से लिया जाता है इसका माप कहाँ से लिया जाता है, चूड़ी वाले भाग से लेकर के शुरुआत से लेकर के लास्ट में हेड को छोड़ तक इसकी ओवरऑल लेंथ कहलाती है ना, इसका मेजरमेंट कहलाता है, और इसका जो मेजरमेंट का मतलब डाया वाला भाग कौन सी है, डाया डाया मतलब कितना डाया का है ना, सिरे के आकार के अनुसार बोल्ट जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने अभी दिखाया था आपको, ये तो सारी चीजें आपको मैंने बता दी दोनों तरफ से, लेकिन एक बताया था मैंने षष्ठभुज आकार, कौन सा आकार बोलो भाई बोलो, षष्ठभुज आकार, अब आप कहोगे सर षष्ठभुज आकार कैसे होता है, तो देखो इसको साफ शब्दों में के यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ, देखो नाम इसका क्या है षष्ठभुज आकार, तो काम जैसा कैसे होगा षष्ठभुज आकार, नाम है षष्ठभुज आकार तो दिखाई भी कैसे देगा षष्ठभुज आकार, तो यहाँ समझिए ये रहा षष्ठभुज आकार सिरा बोल्ट, तो षष्ठभुज आकार का वहां वर्ड है इंग्लिश में हेक्सागोनल, इंग्लिश में एक ही शब्द होगा वो होगा हेक्सागोनल बोल्ट, तो यहाँ पर हेक्सागोनल, यहाँ हेड का मतलब सिरा होता है तो षष्ठभुज आकार का मतलब हेक्सागोनल होता है, डन। चलिए इसमें बात करते हैं, ये सबसे अधिक प्रयोग में किया जा प्रयोग लाया जाने वाला बोल्ट है, तो आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस आकार के बोल्ट की सबसे ज्यादा उपयोगिता है, तो आपको बोलना हेक्सागोनल, आपको बोलना षष्ठभुज आकार वाले आकार के बोल्ट की सर्वाधिक उपयोगिता होती है ना। आगे देखो इसको खोलने तथा कसने, इसको खोलने तथा कसने कसने हेतु पाना मतलब स्पिनर का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है पाने का प्रयोग करते हैं, जो आपने देखा स्पिनर का प्रयोग किया जाता है, इसको खोलने और कसने के लिए स्पिनर का प्रयोग करते हैं, इसके सिरे सिरे का ऊपरी छोर 30 डिग्री पर चैम्फर किया जाता है, कितने डिग्री पर 30 डिग्री, ऊपरी जो छोर है इसके सिरे का वो 30 डिग्री पर, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि हेक्सागोनल बोल्ट का जो ऊपरी सिरा है वो कितने डिग्री पर चैम्फर्स किया गया था, 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे आपके ऑप्शन आएंगे फिर आपको क्लिक करना होगा 30 डिग्री, तब आपका आंसर सही होगा, राइट क्लियर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत, तो चैम्फर किया हो रहता है। इस आकार की बात करते हैं, ये आपका कौन सा हुआ षष्ठभुज आकार, किसकी बात करते हैं जिसका जिक्र अपने किया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया भी था कि ये किस आकार का है, तो षष्ठभुज आकार, आपको मैं यहाँ पर और बता देता हूँ कि षष्ठभुज आकार का, ये किस आकार का षष्ठभुज आकार, ठीक है, अब आपको हो गया सर कौन सा होता, तो देखो सामने बोलो बोलो, चलिए देख गया कोई दिक्कत तो नहीं ना, तो फिर यहाँ पर आप क्लियर कीजिएगा कि इसका जो आकार है वो षष्ठभुज आकार लिख रहा बोल्ट लिख रहा सिरा लिख रहा, तो यहाँ पर लिखा है हेक्सागोनल हेड बोल्ट, हेक्सागोनल हेड बोल्ट में दिया यहाँ पर एक सिरा तो ये रहा, एक सिरा ये रहा और एक सिरा ये रहा और तीन इसके पीछे है, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग ये तो कहती है एक सिरा ये है एक सिरा, तो इसके पीछे भी तो तीन होंगे, तो यहाँ यूं कहेंगे कि 3 + 3 बराबर कितने होते हैं 6, और इसका नाम इसी 6 सिरे से षष्ठभुजाकार पड़ा, और इसी षष्ठभुजाकार को इंग्लिश में हेक्सागोनल कहते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। अब तीन सिरे तो हो गए, अब आप कहोगे सर इसकी लंबाई, तो यहाँ से अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो मेजरमेंट है कि कितना साइज भी लिया जाता है, तो इसके इससे डाया से लिया जाता है, किससे, यहाँ पर डाया से, इसके व्यास से लिया जाता है। अब आप कहोगे ओवरऑल लंबाई, तो इसको हेड को छोड़ करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो ओवरऑल कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ हो जाएगी, जिसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। ये जो है इसकी क्या है, लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये है इसकी लेंथ, आपसे कही कि कहाँ से कहाँ तक। अब डाया कितने का है, 10 mm का, 5 mm का, 2 mm का, 8 mm का, जिस प्रकार के अपने यहाँ पर होते हैं, तो वो अलग अलग साइज का मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से इसको यहाँ पर भी दर्शाया गया है कि एक है, दो है, तीन है, और इसी प्रकार से इसका यहाँ पर देखिए जैसे कितना लिखा है इसमें, 50, कितना लिखा, 50, यहाँ पर कितना है डाया, 7 mm। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, ये आपको यहाँ पर जो है 3D में करके भी दिखाया गया है, जो एक देख सकते हो, दो देख सकते हो, तीन देख सकते हो, चार देख सकते हो, पांच देख सकते हो, छह देख सकते हो, अर्थात यहाँ पर मैं जो बोला था कि छह इसमें क्या होते हैं, भुजा होती है, सिरा होते हैं, इसीलिए इसको षष्ठ भुजाकार कहते हैं। क्या कहते हैं, षष्ठ भुजाकार सिरा कहा जाता है। अब आपसे कहेगी ये किसका बना होता है, सेम माइल्ड स्टील का बना होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में पीतल का, तांबे का, या फिर जो है अन्य मिश्र धातुओं का या धातुओं का बना होता है, लेकिन वो विशेष कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये बात आपको यहाँ तक कोई तकलीफ दे रही हो तो मुझे बताइए, नहीं दे रही हो तो आपको समझना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि कैसे कैसे बोल्ट होते हैं, कैसे कैसे नट होते हैं, ये आपको क्लियरिफाई होना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात को आप समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा रहे हो और क्लियर क्लियर समझ भी रहे हो। अब आपको यहाँ तक आपसे पहला क्वेश्चन कि इसका साइज कहाँ से लिया जाता है और लंबाई कहाँ से ली जाती है, तो आपको बताना है हेड को छोड़ करके संपूर्ण लंबाई, सरल लैंग्वेज में हेड को छोड़ करके इसको भी बोलेंगे, हेड को छोड़कर, और चैम्पर का संपूर्ण लंबाई, ठीक है, संपूर्ण लंबाई। तो यहाँ आपसे समझ सकते हो हेड को छोड़कर के संपूर्ण लंबाई से इसका क्या लिया जाता है, साइज लिया जाता है, ये आपका यहाँ पर हो। इसकी बात करते हैं डायमीटर क्या होता है, इसकी जो है इसका जो डाया होता है नहीं तो वो से लिया जाता है, ये डाया आपका हो गया डन, इसमें गोली। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि इसका जो चैम्पर किया जाता है वो कितने डिग्री पे किया जाता है, तो चैम्पर जो है इसका सिरा जो है यहाँ कितने डिग्री पे किया जाता है, 30 डिग्री पर। ये अलग अलग कंडीशंस आपके साथ में अप्लाइड होती है, और जो आप यहाँ से चैम्पर का मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये राउंड फिगर इसकी बात कर रहा है, आप चैम्पर में नहीं समझ पा रहे हो, तो ये जो सिरा ना हेड वाला, इस सिरे की ही बात कर रहा है ये जो सिरा है वो कितने डिग्री पर चैम्पर किया हुआ, 90 डिग्री पर, है ना। जो शीर्ष की अपन बात कर रहे हैं, जिस शीर्ष की, जिस हेड की अपन बात कर रहे हैं, तो वो हेड कितने डिग्री पर किया हुआ, 90 डिग्री पर यहाँ पर क्या किया हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आपको एक एक चीज को क्लियर करना है, समझना है, लिखना है, पढ़ना है, और क्लियर आगे करते जाना। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो अपन और आगे करते हैं, इसको यहीं रख देते हैं और मैं बात बताता हूँ आपको, सुनिए। यहाँ से आगे चलते हैं तो सीधा सीधा यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये रहा, मैंने यही बात आपको अभी भी बताई, आपको साफ शब्दों में क्या बताया कि वही षष्ठ भुजाकार जो है वो क्या है, ये सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला बोल्ट है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसको खोलने व कसने हेतु स्पिनर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको खोलने कसने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, इसके सिरे का ऊपरी छोर जो है कितने डिग्री पर यहाँ चैम्पर किया जाता है, 30 डिग्री पर किया जाता है, कितने डिग्री, 30 डिग्री। इसका जो है आपका चौथा क्वेश्चन की डाया जो है इसका कहाँ से, इसका जो व्यास है से लिया जाता है, किसे, व्यास जो होगा एक्चुअल में डाया तो वही होगा, व्यास ही लेंगे, लेकिन इसकी अगर पूछे कि लंबाई कहाँ से लेंगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो और बोलो, ठीक है, हेड को छोड़कर, किसके, हेड को छोड़कर संपूर्ण लंबाई। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हेड को छोड़कर संपूर्ण लंबाई से लिया जाता है। इस टाइप की कंडीशंस आपके साथ में होती है, तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियरिफाई हुआ कि नहीं, और ये कोई इसके लिए लागू नहीं होगा, ये दोनों चीजें तो, ये व्यास और ये जो चीज है ना, तो सभी के लिए ही लागू होती है, तो कॉमन चीज है, डन। चलिए मैं आगे ले चलता हूँ आपको, यहाँ तक पे मुझे लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत और ये नहीं है। अब देखो यहाँ तक आपने कर लिया, तो इसके बाद जो चीज आती है वो क्या आती है, इसके बाद है अपने पास में यहाँ, दीजिए आप सबको दिखाई दे रहा है, डन, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। दूसरे नंबर पर आता है चौकोर सिरा हेड, चौकोर सिरा बोल्ट, तो चौकोर का मतलब तो स्क्वायर होता है, इंग्लिश में बोलते हैं तो स्क्वायर हेड बोल्ट, ठीक है, स्क्वायर हेड बोल्ट, और यहाँ हिंदी में बोलते हैं तो चौकोर सिरा,
अब आप कहोगे कैसा है, तो आपका नाम बस दिमाग में पहले क्या था कि कैसा होता, वो तो क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में सीधा हेड घूम गया, हेड घूमते उसमें चौकोर सिर आ गया, बात खत्म हो गई। तो इसमें आपको तकलीफ नहीं आ रही है। क्यों क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा कि षष्ठभुजा क्या करता। तो ऐसा कैसा है, कुछ ये होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो इस बोर्ड का सिरा है ना, सिरा मतलब हेड जो है चौकोर बना होता, बस इसी स्क्वायर बना होता, बस इसी से इसका नाम पड़ा है जी, है ना। होता है इसके सिरे को वर्गाकार, कौन से आकार में, स्क्वायर में, ये आयताकार झिर्रियों में बसा करके प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है किसमें, या तो वर्ग के आकार में या आयताकार झिर्रियों में बसा करके प्रयोग में लाया जाता है, ये बात आपको ध्यान। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए, जनरल वर्क के लिए, या शाफ्ट के लिए या बियरिंग में किया जाता है। शाफ्ट के लिए भी कर सकते हैं, बेयरिंग में भी कर सकते हैं, साधारण कार्यों के लिए किया जा सकता है, या वर्गाकार या आयताकार सिरों वर्गाकार आयताकार झुर्रियों में फंसा कर इसका उपयोग लाया जा सकता है। तो तीन चार इसके यूज हो। इसके सिरे को ऊपर से चैम्पर किया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, इसके सिरे को ऊपर से क्या किया जाता है, चैम्पर, जनरली चैम्पर जो है सारे के सारे जो होते हैं अधिकतर 30 डिग्री पर किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। खैर अब आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसा होता है, समस्या ये नहीं है कि क्या होगा, समस्या ये है कि कैसा होता है, इसके लिए आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा जी। बिल्कुल ये तो देख लिया था आपने, अपन को चाहिए स्क्वायर। जी सर बिल्कुल बताइए, आपकी स्क्वायर यही कर रहे हो ना कि सर बता दीजिए स्क्वायर कैसे होता है। तो देखो बता दिया मैंने, तो अब आपको ही देखना है कि कैसा होता है। डिपेंड कंडीशन आपकी है कि आप चाहते हो कि स्क्वायर कैसे होता है, किस प्रकार से वर्गाकार ये शिरा होता है जिसका जिक्र अपने यहाँ कर रहे हैं। जी बिल्कुल लीजिए, पहला है चौकोर सिरा, देखो साफ साफ लिखा हुआ बोल्ट स्क्वायर, चौकोर का मतलब स्क्वायर सिरा बोल्ट, ये चीज आपके सामने है दोस्तों, तो इसी का ही मैं बात कर रहा हूँ। अब आप कहते हो जी बिल्कुल सही है चौकोर, अब आपको ये दिख रहा एक सिरा, दो सिरा, तीन सिरा और चार सिरा, अब चार से मिल करके चौकोर, चौकोर को क्या बोलते हैं स्क्वायर, इस टाइप की स्टेप बनती है, चार से चौकोर यहाँ और चौकोर से क्या बनता है स्क्वायर, ये बात आपको क्लियर होगी गण जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब आपका हो इसमें कैसे है? तो एक ये दिख रहा, दूसरा ये दिख रहा, इनके पीछे और छुपे हुए हैं दो, तो दो आप छुपे हुए हैं, दो यहाँ है, बराबर कितना होता है चार, और चार से स्क्वायर, स्क्वायर से चौकोर, वही सेम स्टेप यहाँ पर भी लागू होगी, यही इसका डाया हो जाता है। इसमें लिखा भी है डी, डी का मतलब डाया, और यहाँ यह थ्रेड लेंथ है, आपसे पूछे कि थ्रेड लेंथ कहाँ, ये टी लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक चूड़िया कटी, इसको बोलते हैं थ्रेड लेंथ। इसके बाद एक और बात का, ओवरऑल लेंथ जो है यहाँ पर, ये पूरी लंबाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसमें हेड छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, हेड को छोड़कर, तो ये सभी के लिए लागू होगी, कोई एक के लिए लागू नहीं होगी, ठीक है, छोड़ करके, हेड को छोड़ करके ये किया जाता है। चलिए दोस्तों उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया हुआ, आया तो इसको भी बराबर उतार लो और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, डन। मैं और भी कई चीज़ें कराऊंगा, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें समझना होगा पहले कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से और कैसे बनते हैं। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्या कराऊँ, क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से कहाँ से और कैसे बन रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा तब जाकर के क्लियरिफाई होगा। चलिए अपन आ जाए आगे यहाँ से, दीजिए ये लीजिए, अब आपको मैंने अभी भी बताया है कि चौकोर सिरा जो होता है इसको समझिए, लीजिए चौकोर सिरा बोल्ट को मैंने बताया है कि इस बोल्ट का सिरा चौकोर आकार का होता है, इसके सिरे को वर्गाकार या आयताकार झिर्रियों में फंसा करके प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए या फिर शाफ्ट के लिए लिए या फिर बेयरिंग के बेयरिंग हेतु किया जाता है। इसके सिरे को ऊपर से क्या किया जाता है, चैम्पर्स किया जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी, मैंने बता भी दिया प्रैक्टिकल रूप से आपको किस टाइप का होता है। तो अब इससे लेकर के अपन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये भी एक बड़ा विषय बनता है कि सर ऐसे साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी बताते जाओ, तो मैं बता देता हूँ, चलो ये भी क्लियर हो जाए आपको कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिएगा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, उनकी अगर बात करें तो क्या होता है, किस टाइप से, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, दो पाँच क्वेश्चन बता भी देता हूँ आपको जो कि आपके लिए उपयोगी है। बंधक मतलब फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं, जी बिल्कुल, पहला क्वेश्चन है कितने प्रकार के, तो मैंने आपको बताया था एक दो तीन, तो पहला स्थायी, दूसरा अस्थायी, तीसरा परमानेंट, ठीक है, इसका मतलब तीन प्रकार के होते हैं।
सिंपल सी बात है, बिल्कुल एक बार में क्लिक कर दिया ना। लेकिन एग्जाम में पूछा गया भाई, आपको ध्यान रखना। हाँ जी बिल्कुल पूछा हुआ, अब आपको होगी सर कब पूछा हुआ। अरे भाई आपके DMRC में एक बार पूछा गया कि बंधक कितने प्रकार के होते हैं। 2017 वाला पेपर उठा कर देख लेना DMRC का, उसमें पूछा गया कि बंधक कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं, बता पाओगे आप, समझ पाओगे ना। तो यहाँ ये बात देखना। दूसरे नंबर पे एक और बात आती है यहाँ, अस्थायी टेम्परेरी बंधक, मतलब टेम्परेरी जो पार्टनर है, मतलब अस्थायी जो बंधक है इसकी बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा इसको समझना होगा। अस्थायी बंधक की अगर जिक्र किया जाए तो इसका क्या एग्जाम्पल है इसमें समझना होगा। पहली है इसमें देखिएगा, अस्थायी बंधक का उदाहरण कौन सा है, तो फोर्जिंग। फोर्जिंग तो स्थायी में आता भैया, ये तो नहीं होगा, फोर्जिंग तो स्थायी में आता है, ये तो एक बार जुड़ जाता तो जुड़ ही जाता है, फिर दिक्कत नहीं। इसका मतलब रिवेटिंग, रिवेटिंग भी आपका परमानेंट नहीं आता जी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या आता है, अस्थायी पूछ रहा तो अस्थायी में वेल्डिंग, वेल्डिंग भी परमानेंट में आता है जी। इसके बाद बचा कौन सा अपने पास में, ये रहा जी अस्थायी के लिए अपने पास में नट और बोल्ट, जिसको खोला और वापिस लगा दिया, खोला वापिस लगा, मैसेज करेंगे खोला वापिस लगा दिया, ये तो नट बोल्ट है। तो ये आपका क्या हुआ आंसर, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही, मैं जहां तक जान पा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं हो रही, राइट। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ तो आपने लिख लिया, आगे जो आएगा वो कुछ और है। देखो कुछ और कौन सा है, यहाँ पर इस बात को भी ध्यान से देखना है कि कुछ और तो है लेकिन कौन सा है। देखो जैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, यहाँ पर अर्ध स्थायी फास्टनिंग, अर्ध स्थायी से मतलब सेमी परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण है, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। जब फास्टनिंग परमानेंट का आएगा तब सेमी का आ जाएगा, अर्ध स्थायी का तो वेल्डिंग, अर्ध स्थायी का वेल्डिंग तो स्थायी का है, अभी अभी बताया मैंने, ये तो स्थायी का है, किसका है स्थायी। अब आपको पूछना है, वहां तो पूछ रहा है कि अर्ध स्थायी, अर्ध स्थायी में बात करते हैं तो ब्रेजिंग भी किस में लेंगे अपन यहाँ, सॉरी ब्रेजिंग भी किस में लेंगे यहाँ स्थायी, ठीक है। अब आपके पास में जो है ये अस्थायी में आ जाता है, क्या आ जाता है स्थायी में, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। अब कौन सा बचा, अर्ध स्थायी का, तो अर्ध स्थायी के लिए सेमी परमानेंट के लिए शोल्डरिंग आ गया, तो शोल्डरिंग आपको आंसर क्लिक करना हो जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा है ना, स्थायी बंधक मतलब स्थायी बंधक का मतलब परमानेंट फास्टनर का उदाहरण कौन सा है, परमानेंट फास्टनर का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, किसे परमानेंट फास्टनिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात देखना है, रिवेटिंग है क्या, ठीक है तो जी बिल्कुल, रिवेटिंग फास्टनिंग जो है परमानेंट है ना, स्क्रू जो है आपका परमानेंट नहीं है, तो ये क्या है स्थायी में है, ठीक है परमानेंट यार दो चीज है। अब यहाँ पर तो उलझ गए आप, ये तो बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है यार, ऐसे में क्या करोगे आप भाई, चाबी यहाँ अस्थायी है मैं मान लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अस्थायी है चाबी क्या है ना, स्क्रू भी क्या है अस्थायी है। अब आपको देखना यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा उलझन भरा हुआ होगा, अस्थायी है और यहाँ वेल्डिंग भी आपका स्थायी है, इसको भी यहाँ पर क्या वेल्डिंग क्या है परमानेंट है, और रिवेटिंग क्या है परमानेंट है। अब क्वेश्चन है कि किसको क्लिक करोगे ऐसी विकराल स्थिति में, भाई ये जो क्वेश्चन है ना आपके, ये इसरो में आएगा क्वेश्चन, और ये तो अपने मैकेनिकल JEE में क्वेश्चन पूछा गया, जूनियर इंजीनियर SSC, ठीक है आप कुछ हर जी बिल्कुल पूछा हुआ। अब ऐसे में बच्चा क्या सोचेगा, ऐसे में SSC JEE 2019 में जो क्वेश्चन पूछा तो बच्चा क्या सोचेगा कि यार ऐसे क्वेश्चन जी। अब बच्चा आप भी बताओ, भी पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले, अब बताओगे कि ये करेगी ये करेगी। देखिए दोस्तों ऐसा है, एक उसमें डेफिनेशन लिखी थी, क्या लिखी थी कि वह पार्ट्स, देखो इस तरह की क्या डेफिनेशन थी, वह पार्ट्स जिसमें जॉब क्या और क्या पार्टनर दोनों ही खराब हो जाते हो, तो इसमें मतलब यूं है कि दोनों खराब हो जाते हो, थोड़ा सा बच के इसमें रहता। देखो अपन रिविटिंग करते हैं तो रिविट को काट देते हैं, तो बाकी जो जॉब आपका था वो सुरक्षित बचने की पूरी पूरी गुंजाइश रहती है। इस केसेज में इसको इसने किस में अर्ध स्थायी में काउंट किया, इसको इसमें किस स्थायी, तो वेल्डिंग तो दोनों ही खराब हो जाते हैं, वेल्डिंग में तो वो उसी के साथ बिल्कुल ही मर्जअप हो जाता है, उसको तो तोड़ेंगे तो वेल्ड खराब हो जाएगी, पूरा पार्ट ये हो जाएगा, तो इसका मतलब रिवेटिंग आपका जो है ना होकर के क्या वेल्डिंग इस केसेस में। लेकिन यूं दिया होता है कि ए और द दोनों, तो फिर ए एंड डी बोथ कंडीशन आंसर के लिए होता है। तो दोस्तों सोचने की बात है, समझने की बात है, यहाँ स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन इसी में ही कर दिया गया, और इसी तरह से जब आपसे पूछा जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों, तो ये बड़ा तकलीफ भरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, और ऐसे में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बेचारे ITI वाले बच्चे, बेचारे डिप्लोमा वाले बच्चे, वो क्या जाने कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ जी बिल्कुल आते हैं, पर इसका कोई इलाज अपने पास में नहीं है, आते हैं मतलब आते ही है, इसका कोई भी इलाज अपने पास नहीं है,
सही है, अपने किसी भी लेवल का, इंजीनियरिंग लेवल का भी आया, तो आईटीआई लेवल का भी आया, डिप्लोमा लेवल का भी आया, सभी लेवल से आपके यहाँ पर जो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए ये बात आपने समझ ली। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह अपन जिक्र कर रहे थे एक्चुअली में, कि किसका जिक्र कर रहे थे, यहाँ देखिए 2 मिनट के लिए सुनिएगा बात को, फिर आगे बात करते हैं। अब भैया एक बात और बता देना चाहता हूँ, कुछ नहीं ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट आपके इसी में ही अपन जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए इसमें आइए मेरे साथ में। ये रहा टी श्रा बोल्ट। अब टी श्रा बोल्ट किसे कहते हैं एक्चुअल में, टी श्रा बोल्ट होता क्या है और टी श्रा बोल्ट की क्या कंडीशन होती है, तो टी हेड बोल्ट जिसका जिक्र कर रहे हैं कि टी हेड बोल्ट होता क्या है, इसको समझना है। देखिएगा इसका प्रयोग जो है मशीन टेबल में जॉब अथवा अन्य प्रकार की बंधक युक्ति, जॉब अर्थात बंधक प्रकार की, अन्य प्रकार की बंधक युक्ति क्लैंपिंग डिवाइस को कसने हेतु किया जाता है। इसका इसका सिरा आयताकार तथा गर्दन गर्दन नेक वर्गाकार होती है, इस प्रकार से ये होता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि टेबल में जो भी अन्य प्रकार के बंधक युक्ति को कसने के लिए टेबल में, तो इसका प्रयोग किया जाता है टी आकार का। अब समस्या ये है, ये तो पढ़ लिया, इसमें जो है इसका जो सिरा होता है वो आयताकार होता है, लेकिन गर्दन जो होती है वो इसकी क्या होती है, वर्गाकार होती है। ये 2 बिंदु इसमें ध्यान से देखना। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको पहले कि कैसे होता है ये, इसका क्लेरिफिकेशन होना जरूरी है, अन्यथा मामला नहीं बैठेगा जी। आपको मैंने ये दिखा दिया, ये सब दिखा दिए हैं, है ना, यहाँ पर षटभुजाकार देख लिया था आपने, चौकोर आपने देख लिया था, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टी वाले की। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, टी वाले की, और टी वाले में आप भी बात कर रहे हो कि हाँ जी बिल्कुल सर टी वाला दिखा दीजिए। मैं वही चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि भाई किस टाइप का होता है, ये आपको देख लीजिए। अब आपको साफ साफ दिख रहा है टी वाला, क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना टी, तो यहाँ यही बात कर रहा हूँ मैं जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं कि भाई टी जो होता है वो कैसे होता है। तो देखिए ये है टी हेड बोल्ट, मतलब टी शीर्ष बोल्ट, टी आकार है इसका, एक कैसा आकार है टी, इसका जो वास्तविक जो चीज आई वो यहाँ से आई है और इसी से इसका नाम जो पड़ा है वो टी पड़ा है एक्चुअल में। यहाँ अब इसने साफ साफ बोला था कोई भी मशीन है उसने यहाँ पर उसकी जो मशीन है उसको पूरा सेटअप करना है और उसके अंदर तक फिट कराना है, तो ये जो है उसके फ्लैट में जो है सेट हो जाता है। और यही बात आपको यहाँ पर बताइए, ये सिरा आपको कौन सा लग रहा है ना, ये तो आपको वर्गाकार, ये क्या लग रहा है आपको यहाँ पर, तो 2 चीज़ें आपके समझना। तो इस तरह की जो सिरे कंडीशन है ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये तो आपको राउंड जो है आपका इसका बे रोड तो राउंड ही होगी इसमें, ये तो दिक्कत ही नहीं, साइज वही सेम ही रहेगा, इसका जो है डाया से आएगा यहाँ पर व्यास और इसका जो ओवरऑल लेंथ है वो यहाँ से आएगा, है ना, वो आपका हेड इसमें भी नहीं जुड़ेगा, तो ये बात तो आपको ध्यान रखना है। बस इससे संबंधित ये 2 ही बिंदु थे जो एग्जाम में पुट अप होते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो आते हैं, यूं मत समझा करो कि भाई जरूरी नहीं कि आए नहीं, ऐसा आने में कुछ भी आ जाए यार, कुछ नहीं कर सकते, आज का ज़माना जो है वो फास्ट है, अब यूं कहे कि ये आएगा वो आएगा ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए पढ़ना पूरा पड़ेगा टी, है ना। तो यहाँ पर टी वोल्ट की बात करें, टी हेड वोल्ट, तो इसका प्रयोग मशीन टेबल में जॉब या अन्य प्रकार के बंधक या युक्ति को, डिवाइस या क्लैंपिंग डिवाइस को कसने हेतु तो किया जाता है। कोई भी टेबल हो सकती है जिसमें वो स्थिरता लाने के लिए, कसने के लिए, इसका सिरा जो होता है वो आयताकार होता है तथा तो गर्दन जो होती है इसकी नेक जो क्या होती है वर्गाकार होती है, ये बात आपको उन्होंने बताई। नेक्स्ट इसमें एक चीज और बताऊं आपको, तो सुनिए यहाँ से आगे चलते हैं, तो आगे एक बात आपके सामने दिखाई दे रही है, वो है आपको यहाँ साफ साफ शब्दों में अगर मैं बयां करूँ तो क्या दिखाई दे रही है जी, बिल्कुल समझ रहे हो, आपको यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ वो क्या है और किस टाइप की चीज़ है, इससे आपको ये बात तो क्लियर हो ही गई कि कौन कौन सी चीज़ें आपके यहाँ पर आ रही है जी। आइए मेरे साथ में, यहाँ पर दोस्तों कम देखिएगा, यहाँ पर कम या गोल, यहाँ पर देखिएगा सॉरी कम नहीं है, के पे गलत लिख रखा, ठीक है, कम या फिर गोल सिरा बोल्ट, तो यहाँ पर केप या फिर राउंड हेड यहाँ पर जो है ना, तो इसको कप बोल सकते हो आप, यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हो, कैम की जगह, सॉरी ये भी गलत है, कप मतलब कप का मतलब आप समझिएगा कि कप जो बोल्ट होता है उसी की ही बात कर रहे हैं, तो कप को अपने यहाँ गोल सिरा भी बोलते हैं। अब इसका आपको कप नाम क्यों पड़ा है एक्चुअल, है
ना, इसको केम अलग आ रहता, वो अलग अलग आएगा, मैं बताऊंगा वो भी होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कप बोलोगे, क्या बोलो, तो कप और राउंड हेडबोर्ड, इसको साफ शब्दों में लिख लीजिएगा, देखिए समझिएगा। तो कप, तो इसका जो सिरा है वो गोल आकार का होता है, इसका जो सिरा है वो कौन से आकार का होता है, गोल आकार का। सिरे के गोलाकार होने के कारण ही, इस कारण ही इसे पकड़ा नहीं जा सकता, जब सिरा इसका राउंड है तो इसको पकड़ा नहीं जा सकता। सिरे को, सिरे के नीचे वाला भाग चौकोर बना होता है, और कुछ में स्नग बना होता है, कुछ में स्नग बना होता है, जो कि कसते समय बोल्ट को घूमने से बचाता है, जो कि कसते समय बोल्ट को घूमने से बचाता है। अब आप कहोगे जी बिल्कुल सर ऐसा होता है, लेकिन हमें तो दिखा दो, तो हम मान जाएंगे कि भाई ऐसा होता है। तो ये तो टी हेड था, अपन को कौन सा चाहिए, कप, कौन सा चाहिए यहाँ पर, कप। अब आपको ये भी क्लियर हो रहा है कि ये कप दिख रहा है, इसको यहाँ से पकड़ोगे क्या, नहीं पकड़ पाओगे ना, तो नहीं पकड़ पाओगे, तो इसका मतलब ये आप समझ ही रहे हो कि इसको पकड़ नहीं पाएंगे, साफ शब्दों में यही बात है। तो इससे तो अपना यही साबित हो रहा है कि भाई इस चीज को, कप वाले को जो है, इसका सिरा कैसा होता है, कप के समान, जैसा कप होता है ना अपन, ये इस टाइप का जो कप होता है ना अपना, उसी पर टाइप का, इसका नाम ही इसी से पड़ा है, तो कप हेड बोल्ट, ये आपका क्लियर हो गया। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि कैसी स्टेप इसकी होगी, यहाँ पर जो है ये वाला भाग जो देख रहे हो ना, ये वाला भाग, ये भी कोई विशिष्ट आकार में, देखो आपका कौन सा आकार देगा, साफ साफ देखो यहाँ पर ये वाला गोल आप दिख ही रहा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई ये गोल सी रहा है, ये तो डाया हो गया होगा, इसका क्या होगा, डाया है ना, ये आपका डी होगा, ठीक है, ये आपके थ्रेड है, क्या है, चूड़िया है ना, बिना थ्रेड के तो मामला बैठेगा नहीं, क्योंकि पकड़ ही चूड़ी ऐसी ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ देख लिया, अब वापस आइए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कंडीशन है। जी आइए, यहाँ पर तो लिखा है कप, यहाँ साफ शब्दों में लिखो, ये रहा कप, ठीक है, कप या गोल सिरा बोल्ट, तो यहाँ पर लिखा इसका, इसका सिरा गोल गोलाकृति का बिल्कुल दिख ही रहा, तो इसमें कोई शक नहीं है, मैंने सिरे के गोलाकार होने के कारण कुछ बता रहा है, होने के कारण इसे पकड़ा, पकड़ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं पकड़ सकते, इसमें क्या, सिरे के नीचे वाला, नीचे वाला, सिरे के नीचे वाला भाग जो है चौकोर होता है, जो मैंने अभी भी दिखाया, कोई विशेष आकार में दिख रहा आपको, मैंने बोला था ना, तो आपको चौकोर दिख रहा था, नहीं दिख रहा था वो, है ना, बना होता है, और कुछ में स्नग, स्नग बना होता है, और कुछ में जो है उसकी जगह क्या बना होता है, स्नग, स्नग ऐसा ही होता है, कुछ चौकोर आकार में तो वो बना होता है, जो कसते समय बोल्ट को घूमने से बचाता है, जो कसते समय क्या होता है, बोल्ट अगर घूमता है तो घूमने नहीं देगा, तो ये चीज उसमें बनी होगी। दोस्तों ये आपके साथ में मैं एक एक चीज़ को इसलिए क्लियरिफाई कर रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रकार की तकलीफ ना हो। चलिए अब और बात करता हूँ इसी में ही, आइए मेरे साथ में। तो हुक बोल्ट, अब हुक बोल्ट किसे कहते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, हुक बोल्ट होता क्या है, किसे कहा जाता है हुक बोल्ट, इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इन पर भी विचार करेंगे, लेकिन हुक बोल्ट जो होता है यहाँ होता क्या है, देखिएगा इस बोल्ट में एक सिरे पर हुक बना होता है, नाम इसका, जैसे अधिकतर का नाम उसी के काम से ही बना, उसका जो कार्यशैली है उसी से इसका नाम पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए एक सिरे पर हुक बना होता है और दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती हैं, दूसरे सिरे पर क्या बनी होती है, थ्रेड, है ना, इस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग प्राय, इस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग प्राय क्रेन कहाँ करते हैं, क्रेन, प्राय क्रेन, है ना, के साथ किया जाता है, जिससे बड़े और भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े भारी सामानों को उठाने के लिए क्रेन का प्रयोग करते हैं, और उसमें अपन हुक बोल्ट का ही तो प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें लगा ही क्या होता है, हुक। अच्छा तो ये कैसे होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ ये नहीं है कि ये क्या होता है, लेकिन यहाँ ये होता कैसा है, इस बात को लेकर के संशय बना हुआ है। जी बिल्कुल, हुक बोल्ट कुछ दिखाई दिया, कुछ समझ में आया आपको, अब क्रेन में आपको समझ में आ ही गया कि भाई यहाँ पर भारी सामान के लिए ये प्रयोग में लाता, तो क्रेन में जो है आपका हुक होता ही है, तो इस टाइप का जो हुक बना होता है, तो भारी सामानों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा कर ले जाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं, तो ये हुक वाला होता है, जो कि ऊपर फंसा होता, ऊपर से लॉक्ड रहता है, लेकिन नीचे जो है इसका हुक है, तो ये आपका जो है कहलाता है हुक बोल्ट। क्या कहलाता है, आपसे पूछा जाता कि क्रेन के लिए कौन सा बोल्ट उपयुक्त रहेगा कि हुक आकार का, तो यहाँ पर देखो साफ साफ जो है आपको यहाँ के साकार में बना हुआ है हुक आकार, ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको दिखाने पर तो समझ में आ ही जाती है, आ जाती है ना।
तो फिर तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर साफ शब्दों में फिर कह देता हूँ, इस बोर्ड का एक सिरा ऊपर हुक बना हुआ था आपने देखा, तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी हुई थी आपने देखी। ठीक है, इस प्रकार के बोर्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्रेन में करते हैं, नाम ही इसका दे दिया है ना, जिससे बड़े और भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा कर ले जाने के लिए ही प्रयोग करेंगे। यही तो क्रेन का यूज, क्रेन का यूज ही क्या भाई, क्रेन का क्या यूज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी सामान ले जाने के लिए ही तो क्रेन का प्रयोग करते, नहीं तो क्यों करते हैं। ठीक है, ये था आपका हुक बोल्ट। चल, हुक आपको क्लियर हो गया तो आगे में और बता देता हूँ जी। अब चीज सिरा, चीज यहाँ चीज देखो, चीज सिरा बोल्ट, तो चीज हेड बोल्ट जो है क्या होता है इसको देखना हूँ। इस प्रकार के बोल्ट के सिरे सिरे हेड के नीचे एक गोलाकार पिन, कौन से आकार की पिन, गोलाकार पिन लगी होती है। इस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है, यूज याद रखना इनका, प्रयोग किया जाता है जिसमें पाना स्पिनर का प्रयोग करना असंभव ना हो। क्या, जहाँ पाना अर्थात स्पिनर का प्रयोग करना क्या असंभव न हो, ये बात ध्यान रखना, हो नहीं न हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एक नज़र में आपने पढ़ लिया यहाँ, अब होता कैसे है इसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको वापिस। तो आइए मेरे साथ में, ये होता है आपका, ये तो हुक था, अपन बात कर रहे थे चीज हेड की। ठीक है, देखो यहाँ साफ साफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोलती कि चीज हेड बोल्ड जो होता है तो कैसे होता है चीज हेड, यहाँ इसका जिक्र कर रहे हैं, इसी के जो नाम है इससे इसका पड़ा है, इसमें जो है बीच में आप एक बार छेद भी देख रहे हो, है ना, बाकी तो वही बॉडी है इसकी सेम, ये चूड़ियाँ कटी हुई है, ये डाया है, यहाँ डी बोल देंगे इसको, ये और अलग इसकी लंबाई आ जाएगी, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर बन पा रही है। अच्छा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर ये चीजें आपको यहाँ पर बन पा रही है, तो इस टाइप की स्टेप आपके यहाँ पर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि चीज हेड जो बोल्ट है उसकी क्या स्टेप है, इसके आधार पर है, इसको बोलते हैं चीज है। अब आपसे पूछ लिया जाता है इसमें कोई भी क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से आप बता सकते हो कैसे, मैं बताता हूँ ऐसे। ठीक है, ये रहा चीज हेड, ठीक है, चीज हेड लीजिए, यहाँ लिखा इस प्रकार के बोल्ट के सिरे के नीचे एक गोला पिन लगी थी, बिल्कुल एक गोलाकार क्या लगी थी, पिन, गोल आकार का जो हो, गोल छिद छिद्र बना होता है उसमें क्या लगा देते हैं, पिन लगा देते हैं, ठीक है ना, लगी होती है। इस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर पाना स्पिनर का प्रयोग संभव क्या है न हो, मतलब जहां पर इस क्या हो संभव न हो, मतलब यूं समझिए आप, संभव ना हो इस बात को लेकर आप कंफ्यूजन हो रहे हो, मतलब यूं समझो कि आसानी से पाना नहीं लगाया जा सकता, तो क्या करेंगे उसमें पसा कर लेंगे कि इसमें गोलाकार पिन में फिर खोल लेंगे, तो संभव ना हो इस जगह वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी आपने क्लियर कर लिया, मैं और बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, आइए मेरे साथ में, अजी लीजिए, आपके लिए ये रहा नेक्स्ट, आप देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना, क्लियर कर रहे हो ना, तो फिर इसको तो पढ़ना पड़ेगा, कोई भी इसका तोड़ नहीं है। आप सोचते हो कि कोई इजी गोइंग कोई चीज हो जाए, नहीं भाई, सफलता का तो कोई शॉर्टकट ही नहीं होता, यही जिंदगी का एक वजूद होता है। आपको याद रखना है, जितने भी जो लोग आप देख रहे हो ना, अभी आप मुझे भी देखो, तो मैं इस टाइम जो है आप देख सकते हो 2 बजकर के रात की जो है कितने मिनट यहाँ पर 10 मिनट हो रहे हैं, तब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, संघर्ष के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, ये प्रत्येक इंसान की जवानी होती है, तब जाकर के कुछ देखने को मिलता है, तब जाकर के आप लोग हमसे जुड़ पाते हो, क्योंकि आपको बराबर क्लासेस देना पड़ता है। अगर क्लासेस नहीं देंगे, वीडियोज नहीं देंगे, क्वालिटी नहीं देंगे, क्वेश्चन नहीं देंगे, इमेजेज नहीं दिखाएंगे, क्वेश्चन नहीं बिठाएंगे, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। पेपर में क्वेश्चन बैठना चाहिए, बस इसी उद्देश्य को लेकर बच्चे पढ़ते हैं, हमारी भी यही तमन्ना रहती है कि बच्चे का पेपर कैसे हल हो, और इसी बात को लेकर के मैं लगातार कुछ नई चीज के साथ में आपके साथ आता रहता हूँ, और यही बात कि बच्चों का फ्यूचर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये चीज बहुत मैटर करती है। अब स्टूडेंट तो क्या है जानता नहीं है, वो तो क्या एक अभूत बालक की तरह होता है, उसको क्या पता कि किस टाइप से कैसे पढ़ाया जाए, बस पढ़ते रहना, ये नहीं है, आपको पढ़ते जाना साथ में रिविजन भी, साथ के साथ उसमें रिविजन भी, पिछले वाला पढ़ते गए, आगे वाले पढ़ते गए, पीछे वाले भूल गए, यानी रोजाना पढ़ रहे हो तो रोजाना
रिवीजन करते हुए आगे वालों को साथ के साथ ही चलो, तब जाकर के आपका क्लियरिफाई होगा, तब एग्जाम क्लियर होगा, तब जाकर के आपको याद होगा, सर मुझे याद नहीं रहता। तो बस यही तरीका है याद रखने का कि आगे आगे नहीं बढ़ करके पीछे वालों को भी साथ लेते हुए बारम्बार आवृत्ति करते हुए पढ़ते जाओ। ज़्यादा ना पढ़ते पर जो है बार बार पढ़ो, ज्यादा ना पढ़ने की जगह आप हाय 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 न करके जो है कहाँ ज्यादा ना पढ़ने के पर्पज तय करके क्या जो पढ़ते जा रहे हो ना बार 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 उसका रिवाइज करो। आप लोग पूरा एक बार कोर्स करना चाहते हो, फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद पुनः लोड करना चाहते हो, तब तक तो वो क्या हो जाता है रिमाइंड जो है यहाँ से भूल जाता पहले क्या पढ़ा था। यही तो है आपकी प्रॉब्लम। एक्चुअली में सही मायने में देखे तो आप लोगों को पढ़ना आता ही नहीं। एक्चुअल में सही मैंने देखा तो आपको किस तरह से एग्जाम फाइट करिए नहीं, आजकल पूरे ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, आप पेपर देने चले जाते हो। मैंने कई लड़कों को देखा पेपर देने चले जाते हो, अरे भाई क्यों जा रहे हो, अगर आपने ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस नहीं की है, माउस चलाना नहीं सीखा है, कंप्यूटर पर नहीं दिया, मोबाइल पर देना अलग बात है, ऑफलाइन देना एक अलग बात, लेकिन अगर कंप्यूटर पर पेपर नहीं दिया तो आपका जाना बेकार है। तो मेरा आपसे यही है कि जब बिना कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑनलाइन पेपर से पूर्व आप कम से कम 10-20 सेट कंप्यूटर पर या कैफे पर या अपने पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो जिस पर सॉरी लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो अपने पीसी पे या फिर कैफे पर जाकर उसकी एक बार प्रैक्टिस कर ले, सब जगह मिल जाएंगे। पेपर्स नहीं मिलते तो हमारे पास उपलब्ध है हमारे एप्लीकेशन जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस पर, वहाँ पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कुछ चार्जेबल मिलेंगे आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है डेली क्यूज भी आप दिया करो, उससे भी क्लियरिफाई होता है। जो डेली क्यूज आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ कर। और बात करते हैं आगे इसी में ही, तो एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। आप वैसे पढ़ते हो मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगा तो बताना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं कंटिन्यूसली चलता हूँ लेकिन फिर भी भैया कुछ चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है। आँख आई बोल्ट, तो आई का मतलब आँख होता है, अब आई नाम क्यों पढ़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस बोल्ट का नाम आई ही क्यों पढ़ा है ये बात आपको है। तो इस बोल्ट का सिरा मतलब जब है यहाँ पर क्या होता है गोल आकृति का बना होता है, इसका जो आकृति का बना होता है वो गोल आकृति का बना होता है। इसका प्रयोग भारी मशीनों को उठाने हेतु किया जाता है, क्या इसका यूज जो कर दिया भारी मशीनों को उठाने के लिए किया जाता है। ये मशीन के वजन के अनुसार मोटे पतले बनाए जाते हैं, जैसे मशीन होती है तो उनके वजन के अनुसार मोटे पतले बनाए जाते हैं। इसकी बॉडी की पूरी लंबाई पर चूड़ियाँ कटी होती है, पूरी की पूरी लंबाई पर चूड़ियाँ कटी होती है। इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा आई थिंक, देखिएगा है ना। ये तो चीज़ था, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, आपने देखा होगा जनित्र ले लीजिएगा, अल्टरनेट लेथ मशीन ले लीजिएगा, या आपने जो भी छोटी मशीन है जैसे ड्रिल मशीन है ग्राइंडिंग मशीन है, इन सभी मशीनों को उठाने के लिए उसकी बॉडी के ऊपर एक जो है ये इस आकार का जो है सॉरी एक इस आकार का यहाँ पर गोल ये सिरा बना होता है, इस पर पूरी की पूरी पर चूड़ियाँ कटी होती है, इस पर ये नट लगा रहता है। तो इस टाइप की जो है इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं कस देते हैं नीचे, उसको फिर नट लगा देते हैं। तो ये आपको किस आकार का लग रहा, आँख होती ना आँख गोल, आँख होती है गोल, ऐसे कैसे गोल आकार का लग रहा है क्या? तो इसको इसी तरह से बोल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गोल आकार का होता है। कौन से आकार का होता है? गोल आकार को होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को लगा देते हैं मशीन में, किसमें मशीन में, तो फिर क्या होगा कोई तकलीफ नहीं होती दोस्तों। तो यहाँ बहुत मायना रखता है कि ये जो आकार है एक्चुअल में क्या है मशीन के लिए बनाया गया। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बात है, और भारी के लिए किसके लिए करते हैं ये, भारी वाहन के लिए, किसके लिए भारी हैवी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था जो कि आप यहाँ देख रहे हो। अब मैं इसमें और बात करूं तो देखिए इसमें तो ये हो गया है, और यहाँ और आई मेरे साथ में, इसका नाम क्या था जैसा कि आपको पता आई बोल्ट, आई बोल्ट का मतलब क्या है, इस बोल्ट के सिरा जो है गोल आकृति का बना होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप देखने के बाद तो आपको क्लियर हो ही गया कैसा होता है, ये कन्फ्यूजन खत्म। इसका प्रयोग भारी मशीनों में किया जाता है, भारी मशीनों में करेंगे कारण उठाया जाएगा ऊपर ऊपर लगा रहता है उठाने हेतु। ये मशीन की वजन के अनुसार कम मोटे अथवा पतले बनाए जा सकते हैं कि किस टाइप की मशीन, यहाँ तक डिपेंड कंडीशन है। इनकी बॉडी पूरी लंबाई पर चूड़ियाँ कटी रहती है, मतलब जो पूरी की पूरी बॉडी है उस पर आपने चूड़ियाँ देखी कि नहीं देखी, देखी ना, तो वो कटी रहती है। बात सिंपल, तो आपसे पूछ रहा था किस बोल्ट में जो है पूरी बॉडी पर जो है चूड़ियाँ कटी रहती है, तो आपको बताना है यहाँ आई बोल्ट ही बताओगे ना, राइट ना। ठीक है, मैं और बताना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ देखिएगा, यहाँ अपन बात करेंगे और आगे, ठीक है जी, बिल्कुल करो।
देखो यहाँ पर क्या है, काउंटर संक सिरा बोल्ट, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, काउंटर संक सिरा बोल्ट। अब यहाँ पर काउंट संक हेड बोल्ट अपन बात कर रहे हैं, तो ये होता कैसे, इस पर परिचित सबसे पहले आपको यहाँ पर बोल्ट बहुत, ये बहुत लेंथी वीडियोज है, परंतु इतना लेंथी नहीं, इसको पार्ट में दे दूंगा मैं, चिंता वाली कोई बात नहीं। इस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ जोड़े जाने वाले भाग, जहाँ जोड़े जाने वाले भाग भाग पार्ट्स की सतह से बोल्ट का सिरा, पार्ट की सतह से बोल्ट का सिरा ऊंचा नहीं हो, पार्ट की सतह से बोल्ट का सिरा क्या नहीं हो, ऊंचा नहीं हो, है ना। तथा यहाँ पर बोल्ट खोलने तथा या कसते समय पिछले नहीं, बोल्ट खोलते कसते समय क्या होता है, फिसलना नहीं चाहिए, टेप होता है। इसके लिए इसके सिरे हेड में, इसके सिरे में स्नग बना होता है, इसके सिरे में क्या बना होता है, स्नग बना होता है, अथवा गर्दन वर्गाकार क्रॉस सेक्शन की होती है। अब ये चीज़ें मैंने बोल दी एक नज़र में, लेकिन आपको कम समझ में आई, फिर मैं क्या करूँगा, इमेज पे ले जाऊँ, फिर पुनः लोड करके आऊँगा, तो फिर समझ में ज़्यादा आती है ना, इसलिए मैं दो दो बार स्टेप कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, बच्चे को एकदम क्लियर सेटअप हो जाता है माइंड में, फिर उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, तो ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ, चलो आइए मेरे साथ में यहाँ पर देखो। तो ये तो आई वाला था, अपन को कौन सा देखना है, नया ये लीजिएगा, ठीक है, डन, समझ रहे हो ना। आपको सारी के सारी आपके लिए इमेजेस में तैयार किया हुआ हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं। काउंटर शंख सिरा बोल्ट, काउंटर शंख हेड बोल्ट, ये रहा। अब काउंटर शंख में मतलब आप यहाँ पर साफ साफ है कि इसमें एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ ऐसी कैसी है, यहाँ से यहाँ तक इसमें चूड़ियाँ कटी हुई है, और ये आपको इस आकार का, इस आकार का, इस आकार का बना हुआ, जो कि आप देख सकते हो। अब इससे देखने के बाद आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है, ये बात तो आपकी स्पष्ट हो ही जाएगी। इससे देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि ये कैसे होता है ना। चलो मैं बात बताऊँ आपको, तो अब देखो, अब पढ़ो, अब क्या आएगा आपके लिए, ये रहा काउंटर शंख सिरा। अब इसमें यह कि इस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां जोड़े जाने वाले भाग की सतह से बोल्ट का सिरा ऊंचा नहीं, उसको पूरा फिट कर दिया जाता, पूरा का पूरा क्या कर दिया जाता, फिट कर दिया जाता, ऊंचा ना हो, बोल्ट खोलते तथा कसते समय फिसले स्लिप नहीं हो, और बोल्ट खोलने और कसते टाइम पे क्या स्लिप भी ना हो, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भाई फिसलेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि खोलेंगे कसेंगे तो सही पक्की बात है। तो इसके लिए इसके सिरे में स्नग मतलब नीचे जो भाग है उसमें बनाया आपका, मैंने बताया था अभी आपको, बना दिया जाता है स्नग मतलब वो भाग बना दिया जाता जिसकी सहायता से उसको फिसलने से बचाया जा सके। अथवा गर्दन नेक जो है वर्गाकार होती है, मैंने आपको पहले बताया गर्दन जो होती है किस आकार की होती है, वर्गाकार क्रॉस सेक्शन की होती है, ये बात आपको क्लियर। डन, क्वेश्चंस भी आते हैं जी, मैं बताता हूँ अभी क्वेश्चनों को भी, चलिए और क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और पढ़ा दूँ, फिर क्वेश्चन पे और चर्चा हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत सारे जो है आपको बोल्टों के प्रकार बता रहा हूँ, तो इनको अपन देख लेते हैं एक बार एक नज़र में, फिर अपन वापस जो है इसके क्वेश्चन पे जाएंगे। बिना सिरे का टेपर बोल्ट, टेपर हेड लेस बोल्ट, मतलब टेपर है यहाँ पर, टेपर हेड लेस बोल्ट मतलब बिना सिरे का टेपर हेड बोल्ट। तो अब यहाँ पर क्या कहो, बिना सिरा मतलब सिरा नहीं, इस बोल्ट का सिरा नहीं होता, तभी तो इसका नाम जो है लेस पड़ा है, क्या है, हेडलेस, क्या पड़ा, हेडलेस, टेपर हेडलेस। इसकी सैंक टेपर में बनी होती है, तो इसकी सैंक किस आकार की बनी होती है, टेपर में, जिस पर 3/8 इंच टेपर प्रति फुट कटा होता है। तो आपसे पूछा टेपर क्या कटा, 3/8 इंच प्रति फिट जो है टेपर कटा होता है, ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मशीन शाफ्ट शाफ्ट क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है, तो मशीन शाफ्ट क्लैंपिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आया जी, आया नहीं है ना, अब भी आएगा, पक्का आएगा, लीजिएगा, ये आपके सामने है, अब बताता हूँ, ये रहा टेपर हेड, है ना, यहाँ पर, और लेस बोल्ट, टेपर हेड लेस, टेपर हेड दे रखा है, लेस नहीं दे रखा, तो यहाँ समझिएगा, मैं बता दूँ, चलो कोई बात नहीं। टेपर हेड लेस बोल्ट मतलब इसका जो है, यहाँ हेड लेस का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो इतना सारा जो दे रखा है ये लेस ही है, इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बना हुआ ये भाग है ये जो है इस टाइप से, तो यहाँ पर हेड एक तरह से लेस होगा ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेपर हेडलेस।
क्या बोलते हैं टेबल, बाकी तो आपकी जो सिरा है वही यहाँ पर बना हुआ, ये यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, ये आपके किस आकार में, ये भी साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरह से जो होता है अपना यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं। परंतु अब कुछ, अब जो है इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये लीजिएगा, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन। चलिए आइए, अब देखिएगा इसमें, इसी बोर्ड का सिरा, इस बोर्ड का सिरा नहीं होता तो हेड नहीं होता, लेकिन लंबा वाला भाग पीछे होता, जो हेड वाला वो तो किसमें बना दिया अपने थे, यहाँ पर जैसे होता है ना जोकर की टोपी उस टाइप में बना दिया, ठीक है। इसकी इसके सेंक टेपर में, सेंक टेपर में तो होती, टेपर बताई थी मैंने आपको, इस टाइप की है ढलान नुमा जिस पर कितना 3/3 इंच टेपर, टेपर का भी प्रति फुट कटा होता है, टेपर का साइज दे देख निर्धारित है ना, ये मशीन की शाफ्ट पर क्लैंपिंग है तो प्रयोग किया जाता है, तो मशीन की शाफ्ट पर क्लैंपिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डन, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। आगे आता है न्यू बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट, न्यू का मतलब होता है फाउंडेशन, जैसे आपकी फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग थी, आईटीआई में गए होते, डिप्लोमा में गए होते, तो वहाँ ये हालात नहीं होती ना, तो तुम डिप्लोमा में गए ना, आईटीआई में गए ना ही डिग्री में गए, ऐसा कैसे में पास हुए आप जानते हो, ऐसे हालात को देखते हुए लास्ट में पेपर देकर यहाँ तक पहुँच गए, अब चाहिए नौकरी तो हमारे पास आए तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी हल हो जाएगी, पढ़ना पड़ेगा तो संभव है सब चीज़, बिना पढ़ाई के तो कोई भी चीज़ संभव नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई पावर नहीं है जो पढ़ाई से ही बिना पढ़ाई के संभव हो सके, पढ़ना तो पड़ेगा है ना। तो न्यू हेड बोल्ट मशीनों को भूमि तल है ना, सरफेस स्तर पर स्थिर रखने के लिए, मतलब ग्राउंड में जो है ना, फाउंडेशन के लिए, सीधी बात करें तो नाम इसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन है, तो जिन बोल्टों का प्रयोग किया जाता है उन्हें न्यू बोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। कार्य के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं जिस पर अपन जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर फाउंडेशन के आधार पर अपन बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ अभी, आइए, कार्य के अनुसार भी कई ही प्रकार के होते हैं, देखिएगा यहाँ पर कार्य के अनुसार अगर बात करते हैं तो ये लीजिएगा लेविस, क्या है ना, लेविस बोर्ड। अब लेविस बोर्ड क्या होता है, इसकी एक छत है साइड टेपर में बनी होती है, और दूसरी छत है जो है साइड जो बनी होती है वो उस पर कच्चा भी लगी होती है, ठीक है। इसे सीमेंट तथा गिट्टी से, इसे सीमेंट तथा गिट्टी से अच्छी तरह से दबा दबा दिया जाता है जिससे बोर्ड हिल ना सके, इस तरह से सीमेंट और गिट्टी, जैसे लेथ मशीन अपन को फाउंडेशन करना, ड्रिल मशीन करना, या फिर ग्राइंडिंग मशीन करना, इस टाइप की जो भी मशीन, या फिर अपने इंजन, जनित्र, मोटर, इंटर्न, जिनको भी अपन फाउंडेशन तो सभी मशीनों का करते हैं कोई भी हो, ठीक है, तो उसके लिए प्रयोग बनाए जाते हैं। जब बोल्ट को निकालना होता है तो पहले पहले चाबी को निकालते हैं, क्योंकि चाबी टेपर में बनी होती हैं, इसके कारण आसानी से निकल जाती हैं। अब ये कंडीशन आपको समझ में नहीं आए कि कैसा क्या होता है, चलो मैं दिखाता हूँ, दिखाने से क्या है कि क्लियरिफाई हो जाता है, फिर दोबारा पढ़ दो उसी चीज़ को तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है बच्चे को। लीजिए आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये रहा फाउंडेशन बोर्ड, ठीक है जी। फाउंडेशन का मतलब आप समझो, ये तो क्या होगा, इसके ऊपरी सिरा होगा, ठीक है, जहां पर, लेकिन ये जो देख रहे हो आप, सुनिए मैं बता देता हूँ, चलिए ये तो क्या है, ऊपरी ऊपरी यहाँ पर जो है, ये पूरा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है ये अंदर चला जाता है, ये पूरा जमीन में गाड़ दिया जाता है, टेढ़ा, क्योंकि अगर जमीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर मिट्टी उट्टी आ जाएगी, पूरा भर देंगे, फाउंडेशन कर देंगे, पैक कर देंगे, सीमेंटेड कर देंगे, इस टाइप से करने के बाद ये लॉकड हो गया, अब ये हिलेगा नहीं, ना ही मशीन को हिलने देगा, ऊपर जो है आपके यहाँ आ गया मशीन में जो है, उसमें जो बॉडी है उसका जो बेस, मतलब बेड जिसको बोलते हैं, तो उसमें चला जाएगा है ना, तो उसमें जाकर के फिट हो जाएगा, परिणाम से ऊपर से अपन उसको लॉक कर देंगे तो बिल्कुल फ्री हो गया, ये चीज़ है, इस टाइप का जो होता है फाउंडेशन, मतलब मशीनों की जो फाउंडेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, कौन कौन से प्रकार के होते हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, चलिए आइए मेरे साथ में, प्रकार का अगर बात करते हैं तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे लेविस बोल्ट मैंने बताया ना, लेविस बोल्ट कैसा होता है जी, देखो आप यहाँ पर लिखा ना लेविस बोल्ट, और लेविस बोल्ट आपको दिखाई दिया, देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये कोई मशीन ली है राइट है ना, ये कोई यहाँ पर इसको, अब ये जो जो अंदर का भाग देखो, ये भूमि है एक तरह से, जिसमें गाड़ते हैं भूमि में गाड़ देते हैं, अर्थ में इसको गाड़ दिया जाता है, परिणाम स्वरूप यहाँ ऊपर आया तो इसको यहाँ लॉकड कर दिया, और ऊपर से ये आपका पूरा कोई भी इस तरह का, तो इस तरह से जो होता है लेविस कहलाता है, इस टाइप का जो होता है वो क्या कहलाता है, लेविस कहलाता है, क्या कहलाता है, लेविस वाला, ठीक है जी बिल्कुल, हाँ जी सही पकड़े हो आप यहाँ पर लेविस वाला, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ लेविस जो बोल्ट है इसकी क्या खासियत है, मैं बताऊँ
लेविस बोल्ट, इसकी एक सतह टेपर में बनी थी बिल्कुल अभी हाल में देखी आपने, और दूसरी सतह जो है यहाँ पर चाबी लगी हुई थी, लगी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें सीमेंट था, गिट्टी से अच्छी तरह से दबा दिया जाता, वायर गया था आपने देखा, जिससे बोर्ड हिल ना सके, बिल्कुल नहीं हिल रहा था, बिल्कुल एकदम टाइट फिट था, है ना। कोर निकालना, जब हिल ना सके, जब जब बोर्ड को निकालना हो तो पहले चाबी को ऊपर वाले भाग को तो निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि चाबी टेपर में बनी होती है, होने के कारण आसानी से निकल भी जाती है, इसी के कारण यहाँ तो इसका उपयोग फाउंडेशन हेतु करते हैं। किसके लिए? फाउंडेशन हेतु। मैं और बात करता हूँ आपसे, बहुत सारा बड़ा चैप्टर है ये, और इसीलिए एक एक चीज़ को मैं क्लियर करा, छोड़ने का तो सोचना मत आप। हाँ जी, पढ़ना पड़ेगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो आपको सक्सेस सफलता दिला सके, एक ही पावर है आपकी मेहनत, वही रंग लाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि आंख न्यू बोल्ट, मतलब आई फाउंडेशन बोल्ट। आई फाउंडेशन बोल्ट के बारे में समझाता हूँ आपको, यह एक प्रकार का साधारण बोल्ट होता है जो कि मृदु इस्पात मतलब माइल्ड स्टील से बना होता है, ठीक है जी, बिल्कुल बोल्ट माइल्ड स्टील से बना होता है, कि छड़ को मोड़ कर बनाया जाता है। इसके आंख मतलब छिद्र, यहाँ पर बात करते हैं तो आंख का मतलब छिद्र, यहाँ से देखो आप साफ नहीं दिखा, इसकी आंख मतलब आई में एक रोड को फंसा कर छिद्र में डाल दिया जाता है, ठीक है जी, बिल्कुल, है ना। तथा ऊपर से सीमेंट गिट्टी से भर दी जाती है, और इस प्रकार से ये बनाया जाता है जी, बिल्कुल। कैसे बनाया जाता है मैं बताता हूँ आपको, यहाँ साफ शब्दों में देखिए, तो लीजिए, लेविश के बाद अपना आता है यहाँ पर आई फाउंडेशन। चलिए जी, देख लीजिएगा आई फाउंडेशन कैसे होता है, साफ शब्दों में देख रहे हो ना, यहाँ आई फाउंडेशन, यहाँ पर देखो तो आपको लग रहा है कि ये आई फाउंडेशन हो गया, तो आई फाउंडेशन बोल्ट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आकार में कौन सा है, आई आकार का, ठीक है, आई इसका आई होली बोलते हैं इसको, आई आकार का, और इधर ये जो है इसमें क्या बाहर रह जाता है, यहाँ पर देखो इस टाइप का जो है कंडीशन, इस टाइप का जो है ये क्या होता है, जिस पर अपन इसको नट बोल्ट कस सकते हैं, बाकी ये किस टाइप का लगेगा, यहाँ पर आई आकार। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये बात बताना है, ठीक है, तो आइए मेरे साथ में, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि यहाँ पर ये एक प्रकार का साधारण बोल्ट होता है, तो किस टाइप का साधारण है, जो कि बना किसका, मृदु स्टील का होगा, इसमें कोई छड़ को मोड़ कर बनाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं, आंख आंख के छिद्र के समान एक रोड फंसा कर, वही सेम कंडीशन होते हैं, आंख के छिद्र के समान कोई रोड फंसा फंसा कर छिद्र में डाला जाता है, ठीक है, रोड फंसा दी, अब इसमें आई आई तो ऑलरेडी बना, इसमें कोई रोड फंसा दिया, वहाँ छेद में नीचे डाल दिया, तो फाउंडेशन कितनी मजबूत होगी, अब कभी नहीं निकलने वाली आपकी मशीन, ठीक है ना, डाला जाता है और उसके ऊपर मिट्टी या सीमेंट है भर दी जाती है, बिल्कुल इस तरह से जो है फाउंडेशन हो जाती है, ऊपर सिरा खुला हुआ दिखी गया था। यहाँ तक भी तकलीफ नहीं है, आगे क्या है सर, कौन कौन से और बचे हैं, तो और भी है भाई, है यहाँ पर क्वार्टर बोल्ट, क्या है जी, बोल्ट इतने प्रकार के होते हैं, हाँ जी होते हैं, आपने नहीं देखे पहले, नहीं ना, कोई बात नहीं, अब देख लो, है ना, जब है ना, क्वार्टर बोल्ट नाम तो सुना होगा आपने, क्वार्टर बोल्ट है ना, देखिए यहाँ पर क्वार्टर बोल्ट। अब क्वार्टर बोल्ट क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का बोल्ट होता है, मतलब स्पेशल बोल्ट है, ठीक है, जो कि मशीनों की नींव फाउंडेशन हेतु प्रयोग में किया जाता है। इस बोल्ट को नीचे एक एक प्लेट लगी होती है, इस बोल्ट के नीचे क्या एक प्लेट लगी होती है, जिसमें झिर्रिया स्लॉट कटी होती है, इस झिर्रे में क्वार्टर क्वार्टर को फिट कर दिया जाता है, क्वार्टर के ऊपरी एक वाशर रखा होता है जो क्वार्टर के लिए समतल सतह तैयार करता है, और इसी क्वार्टर के कारण इसका नाम जो है क्वार्टर बोल्ट पड़ा है, ठीक है जी सर, समझ में आ रहा? अरे भाई समझ में तो आएगा ना, पर ये बात है आपको देखना पड़ेगा तब आएगा, ये अगर नहीं देखोगे इमेज तो फिर नहीं आएगा, बिल्कुल। अब आपको समझ में आ रहा है इस बात को लेकर, आप क्लियर हो रहे हो, आश्वस्त हो कि क्वार्टर बोल्ट क्या होता है जी, यहाँ पर क्या लगा हुआ है इसमें, ये तो आपने फाउंडेशन के लिए कर दिया है, और इसके बाद इसको ऊपर रख दिया, ऊपर जो बचा तो इसमें भी आपने पिन लगा दी है, तो इस टाइप का रहता है, तो ये आपका कहलाता है क्वार्टर बोल्ट। अब इस टाइप में तो आपने देख लिया जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, इस बात के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी क्वार्टर बोल्ट को लेकर के भी। क्वार्टर बोल्ट में देखिएगा तो यह एक विशेष प्रकार का बोल्ट होता है जो मशीनों की नींव फाउंडेशन हेतु प्रयोग किया जाता है, इस बोल्ट के नीचे एक प्लेट लगी होती, क्या लगा देते हैं, प्लेट लगा देते हैं, जिसमें जिसमें झिर्री कटी होती, क्या कटी होती, झिर्री कटी होती, झिर्री कटी थी जब भी, तो ऊपर जो है देखा आपने वो झिरी कटी होती है, उसमें क्या फंसाएंगे अपने, यहाँ पर झिरी कटी होती है, ठीक
इस झिरी झिरी में क्वार्टर क्वार्टर को फिट कर दिया जाता है, जो की थी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। और क्वार्टर का और क्वार्टर के ऊपर का ऊपर एक वाशर रख दिया जाता है, जो कि क्वार्टर के लिए क्षमता सतह प्रदान करता है, और इस प्रकार से वो बराबर से फिट हो जाता है ये फाउंडेशन के लिए। ठीक है, ये मशीनें छोटी बड़ी बहुत सारी प्रकार की आती है, इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं हाँ कि कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं आवश्यकता अनुसार, तो यहाँ पर आपको देखना होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। तो इसमें आगे देखेंगे अपन यहाँ पर रैग बोल्ट। अब रैग बोल्ट किसे कहते हैं ये बात आपको समझना हो, ठीक है। रैग बोल्ट किसे कहते हैं यहाँ पर, ये आज की क्लास का लास्ट चैप्टर होगा रैग बोल्ट, फिर उसके बाद अपन नट पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर रैग बोल्ट होता क्या है इसको देखो। तो रैग बोल्ट कई प्रकार के होते हैं, इनके नीचे का भाग चपटा, नीचे का भाग चपटा होता है, और शंकु टेढ़ी या शंकु नियमक स्टेप वाली होती है। शंकु टेढ़ी होती है और शंकु 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 के आकार की स्टेप। इसका प्रयोग भी भारी मशीनों को कसने के लिए किया जाता है। फर्श पर बने सुराख में इसे ढकवा कर आधा भाग रेत तथा उतना ही भाग सीमेंट मिला करके भर दिया जाता है, अर्थात सीमेंट गिट्टी से भर दिया जाता है। कई बार शीशा या सल्फर को भी गला कर भी सुराख में भर दिया जाता है, यह क्योंकि शीशा भारी होता है, ठीक है ना। ये ठंडा सल्फर उससे मिलाने से वो कठोर हो जाता है, ये ठंडा होकर जम जाता है और मजबूती से बोल्ट को पकड़ लेता है, और बराबर फाउंडेशन में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। जी नहीं होती तो फिर क्या होता है जी, ये लीजिएगा, ये होता है। अब आप देख रहे थे लास्ट में कि रैक वाला, तो इस टाइप का जो देखोगे तो यहाँ पर इसमें आपके पहले ही रैक बनी हुई है। हाँ जी, रैक कैसे बनी हुई है ये देखो आप, यहाँ पर एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, अलग अलग स्टेप बनी। अब इसमें क्या करते हैं कि शीशा और क्या है सल्फर डाल देते हैं भूमि के अंदर, यहाँ तक इसको फाउंडेशन भर देते हैं सल्फर शीशा और सीमेंट रेत इस टाइप से डाल कर इसको पैक्ड कर दिया जाता है। ऊपर जो है यहाँ पर खाली रखा जाता है, तो यहाँ नट कस देते हैं। जी बिल्कुल, अब कसने आपको निकालने की कहीं जरूरत नहीं, इस टाइप से भूमि में स्थिरता हो जाती है। इस तरह की चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती है। अब दोस्तों ये चीज़ आपने देख ली है, आप चाहते हो कि सर कुछ क्वेश्चंस हो जाए, मैं इसमें और भी पढ़ाऊंगा बहुत सारे चैप्टर्स सर, लेकिन अभी मैं आपको ये न पढ़ा करके क्योंकि अभी क्लियर कराना चाहता हूँ। क्लियर क्या कराना चाहता हूँ ये बात आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी देखिएगा इसमें, इसके बाद नट वगैरह आ जाएंगे, तो ये बहुत लंबे चैप्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको अगली क्लास में कन्वर्ट करूँगा, एक साथ में सारी क्लासेस संभव नहीं है, तो बैक टू बैक ही लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, सुविधाजनक है। अब मैं इसमें क्वेश्चंस कराता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कैसा है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं। वैसे नट और बोल्ट को मुझे कॉमन पढ़ाना था, उस हिसाब से क्वेश्चन तैयार किए गए थे आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको डबल बार इसको कवर करा दूँ क्वेश्चनों को लेकर, कोई इशू नहीं। वजह है क्योंकि दोनों को साथ में पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन लेंथी वीडियोज होने के कारण इसको मैं यहाँ ही ख़त्म कर रहा हूँ, उसको पार्ट टू में नट करके करा दूंगा, ठीक है। तो परेशान ना होता, हेक्सा फ्रेम जो होता है मैं कौन सा नट का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें यहाँ बोल्ट नहीं नट होता है, और आपको बताना है नट जो होता है वो विंग नट होता है। कौन सा होता है? विंग नट। और विंग नट जो होता है इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का बना होता है, ये इस टाइप का। तो इस टाइप के जो नट होते हैं इसमें यहाँ चूड़ियाँ कट रहती थी, इस टाइप का होता है, फ्लाई नट भी बोलते हैं, तो विंग नट होता है। या डोम नहीं होता, चौकोर नहीं होता, रिंग नहीं होता, सीधा सीधा आपको ये पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा, तब जाके क्लियर होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रुकना आपको, ठीक है, तब जाके क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइप पर बात करता हूँ, तो आगे लिखिएगा नंबर नेक्स्ट आपको देखिएगा, ठीक है जी। अब इसे देखो कि सबसे अधिक कौन सा बोल्ट प्रयोग में लाया जाता है, सबसे अधिक कौन सा बोल्ट प्रयोग में लाया जाता है, इस बात को आपको देखना होगा, समझना होगा कि सबसे अधिक जो बोल्ट प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा लाया जाता है, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी, है ना। तो सबसे अधिक जो बोल्ट प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा लाया जाता है, यहाँ देखो आप क्लियर करो, ठीक है, बोलो क्लियर हो गया आपको। अरे सबसे अधिक जो वोल्ट प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा होता है बोलो, तो सबसे अधिक जो प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर हुक नहीं हुई, टी वोल्ट ये है, षष्ठभुजा का, बिल्कुल मैंने आपको पहले सबसे पहले जो पढ़ाया था, बिल्कुल क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ना, निम्न कौन से बंधक बंधक के दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती है, कौन से बंधक के दोनों सिरों पर एक और होता है जिसके बीच में खाली होता है, और यहाँ ऊपर चूड़ियाँ नीचे चूड़ियाँ बीच में खाली होता, तो वो लिटल होता है, क्या होता,
नट बोल्ट का तो आप जानते हो, स्क्रू का जानते हो, तो यहाँ स्टडी है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आपके इसरो में भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, आपको बता देता हूँ। तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे पूछे जा रहे हैं आपको नोटिस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ आगे, ठीक है। अजय अब देखिएगा यहाँ, ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए फिर लीजिए। क्वेश्चन यू पूछा गया इसने कि सूक्ष्मापी यंत्रों में कौन सा नट प्रयोग मिलाया जाता है। तो सूक्ष्मापी का तो नाम ही ऐसा है कि इसमें कौन सा लाएंगे, रिंग नट, डोम नट, थंब नट, विंग नट। तो थंब, तो यहाँ अंगूठे की सहायता से उसको करते हैं ना, तो यहाँ पर कौन सा हुआ, थंब नट। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का नट प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा, थंब नट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ देखी गई है कि कौन सा नट लीकेज को रोकने हेतु काम में लिया जाता है। लीकेज को रोकने के लिए किस कौन सा नट प्रयोग लिया जाता है। तो लीकेज तो टोपी से रोक सकती है, टोपी उसको रोक लेगी, और वो जो है उसके लिए विंग भी नहीं, उसके डॉम, ये लीकेज टोपी वाला मतलब कैप नट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप नट, ठीक है, जो टोपी होती है ना उस टाइप का समस्या। तो यहाँ पर ध्यान देना, नेक्स्ट आपके लिए ये रहा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ आपको, लीजिए। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है, मैं अब आगे ले चलता हूँ आपको इसी क्रम में। तो यहाँ लीजिए ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मशीनों की स्थापना करते समय उन्हें स्थिर या फिक्स करने हैं तो कौन से बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो केशल, कोटर, लॉक्ड या न्यू फाउंडेशन बोल्ट। सो सिंपल, इसमें क्या है ना, कुछ भी नहीं है ना, नहीं है ना, आपको तकलीफ नहीं आ रही ना, लेकिन ये एस एस सी में पूछ लिया गया, एस एस सी जूनियर इंजीनियर में, जे एन, ठीक है, 2018 का पेपर उठा लीजिएगा, आपका हूँ क्वेश्चन आया। और दोस्तों आप कहते हो कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल जी आते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, आते तो कुछ भी है, कुछ भी नहीं कह सकते आने में, तो आने का तो मामला ही कुछ ऐसा है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लीजिए आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बोल्ट का सिरा कितने डिग्री पर चैम्पर किया हुआ रहता है। देखिएगा यहाँ पर बोल्ट का सिरा जो है कितने डिग्री पर चैम्पर किया हुआ रहना चाहिए, ये बात आपको मैंने बताई थी, और 30 डिग्री का बताया था। यहाँ क्वेश्चन भी एग्जाम आया, कोई से बोल्ट ले लीजिएगा, सबका कितना होता है, 30 डिग्री का होता है, ये चैम्पर किया, क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट, हाँ अब मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंडीशनें कहाँ कहाँ पर लागू होती है, ये आपको देखना पड़ेगा, तब जा करके क्लियर होगा। नेक्स्ट आप क्लियर, चलिए जी आइए 12वें नंबर पर। स्वतः ताला नट मतलब सेल्फ लॉकिंग नट कौन सा है, जो कि आजकल सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि कोई भी चाहते नहीं कि बीच में निकल जाए, ठीक है, ऑटो लॉकड होता है तो बढ़िया। हाँ तो स्लॉटेड नट यहाँ पर देखिएगा, अब आपको अलग अलग देखना है, स्वान नट, साइमंड लॉक नट, और यहाँ पर वाइल नट। तो एकमात्र ऐसा है जिसका नाम ही साइमंड है, तो उसका नाम क्या, साइमंड लॉक नट, यही है जो आपके स्वतः ऑटो लॉक कर लेते हैं, साइमंड ऑटो लॉक, इस टाइप से आपको क्लियर करना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा आपकी स्क्रीन पर, लीजिए येलो सा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर लीजिए वाशर की मोटाई थिकनेस किस तरह से ज्ञात की जाती है। तो वाशर की जो है मोटाई किस तरह से ज्ञात की जाती है, और इसका जो है प्रयोग कैसे करते हैं, और भी यहाँ कई चीज़ें आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वाशर जो होता है तो उसकी मोटाई, ये मैंने वैसे पढ़ाया नहीं है आपको, परंतु फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है इसका जो होता है वाशर की मोटाई थिकनेस किस तरह की ज्ञात की जाती है। तो यहाँ 1/8/D इससे ज्ञात की जाती है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इसका तो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा जब ये चैप्टर क्लियर करा पाऊँ। अब जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए नहीं, मतलब जो पढ़ाए नहीं उन क्वेश्चनों को आपको बताने का उद्देश्य भी नहीं, तो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे वो आपको बताया भी, बस लगे रहना जुनून और जज्बे के साथ, यही बात कर रहा हूँ, यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी, आप वही हो जो कि आपके राष्ट्रतिलक होने वाला अर्थात सरकारी दामाद बनने वाले हो। लेकिन जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे तो आप और हमें दोनों को एडवांटेज मिलेगा, हमारा भी जोश और जुनून आपके ऊपर ही डिपेंड होता है। जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करते हो उससे जितने ज़्यादा व्यूज़ हमें प्राप्त होते हैं, तो हमारे और ज़्यादा एनर्जेटिक काम करने में ऊर्जा प्राप्त होती है। उम्मीद है आप भी चाहते हो कि वीडियो सारे, हम भी चाहते हैं कि सब ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, चाहते हो ना, तो सेम स्टेप आप इसको शेयर कीजिएगा अपने ग्रुपों में, 10-15 ग्रुप में, जो भी आप ग्रुप इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, जहां पर भी आप जुड़े हुए हो सोशल साइटों पर, सभी पर डाल दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके और इसका सभी स्टूडेंट को लाभ मिल सके। उम्मीद है आप मेरी बात को जरूर फॉलो करोगे ना, तो बस
देर मत कीजिएगा और भेज दीजिएगा, उठाइए फोन और अपना कार्य छोटा सा कर दीजिएगा, क्योंकि इतना लेंथी वीडियोस आपने देखा है, इसमें कई प्रकार के मैंने सेगमेंट डाले हैं और ये आपको क्लियर भी हुआ ना। बस चलते रहना, रुकना नहीं है, क्योंकि देखिएगा गिरना पड़ना उठना सब चलता रहता है, लेकिन यकीन मानिएगा जिंदगी के जो मोड़ आते हैं उतार चढ़ाव के, उन्हीं से आपको निकलते हुए आगे जाना होता है और वही सफलताओं के लिए मिलती है। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा कि क्या कहा कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौटाता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उसका दुगना इसी हैरानी, मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती, यकीन मानिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपकी भी नहीं होगी, पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा भेज दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए दोस्त बेल बटन को दबा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।